चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामत अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जा सुकृपा निर्मल मति पाहूं, जिनकी हेतु की कृपा के कारण ही बुद्धि निर्मल होती है, परमात्मा का वर्ण करने वाली बनती है। इसलिए हम सब मिलकर उनके श्री चरणों में चले। श्री वृंदावनेश्वरी वृषभानंदिनी के श्री पावन पवित्र चरणों को निहारते हुए अपने हृदय के भाव पुष्प स्तुति के माध्यम से उनके श्री चरणों में निवेदित करें, उसके बाद भागवत भागीरथी में अवगाहन करें प्रथम श्यामाजू की मधुमय स्तुति। श्यामा प्राण
सुन लो मेरी पुकार, दीन पात की श्रवण को की
श्यामा जो बड़ी दयनीय दशा है, शरीर से तप होता नहीं है, मन वैराग्य में प्रवृत्त होता नहीं, बुद्धि में विवेक जगता नहीं, ऐसी विषम परिस्थिति में आपके अतिरिक्त कोई संबल नहीं है, कोई आश्रय नहीं है। श्री चरणारविंदों में बारंबार यही प्रार्थना है, आपने इस साधनहीन पर जैसी अनुग्रह भरी दृष्टि डाली है, बस करुणा भरी, ममता भरी, अनुग्रह भरी दृष्टि आपकी सतत बनी रहे, यही श्री चरणों में बारंबार प्रार्थना है। परमादरणीय प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के
श्री चरणारविंदों में साष्टांग वंदन, परमादरणीय पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, हमारे जीवन धन गोविंद की कथा से, जीवन धन गोविंद के नाम से, धाम से, लीला से, उनके प्रेमी संतों से प्रेम रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में भी अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। आओ हम सबका जीवन मधुर बने, रसमय बने, आनंदमय बने, इसके लिए हम सब अपने शरीर को यही मां भागीरथी के पावन पवित्र तट पर ईशावास्यम आश्रम में सत्संग भवन में रहने दें। अपनी चित्त वृत्ति को मां भागीरथी के पावन पवित्र तट पर, जहां परमात्मा महात्मा बन करके बैठे हैं, विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव गुरुदेव के रूप में विराजमान हैं, उनके श्री चरणों में ले चलें। जो राजर्षि परीक्षित को निमित्त बना करके हम सबके कल्याण के लिए भागवत भागीरथी प्लावित कर रहे हैं, प्रातःकाल की पावन पवित्र वेला में हम सब श्रवण कर रहे थे। विदुर ने कौरव पक्ष को भगवत भक्ति में प्रयुक्त करने का प्रयास किया, किंतु जब प्रयास में सफल नहीं हुए तो अपना जीवन नष्ट नहीं किया। गृहस्थों को भी ये ध्यान रखना चाहिए, अपनी संतति को, अपने अनुचरों को भगवान की भक्ति में लगाने का प्रयास करें, ज्ञान में लगाने का प्रयास करें। यदि सफल न हो पाए तो फिर अपना जीवन नष्ट न करें। जैसे विदुर ने अपना रास्ता चयन कर लिया, स्वगतः उभा तो चले गए, किंतु हमारे श्री सूत जी महाराज कहते हैं कौरव लब्ध पुण्य। मैं बार बार लोगों को कई बार निवेदन करता हूं, प्रत्येक परिवार में कोई संत होता है और वह संत निश्चित रूप से परिवार का पुण्य होता है। ऐसे प्रत्येक संस्थाओं में कोई दिव्य संत होते हैं और उन दिव्य संस्था में जो संत निवास कर रहे हैं उन्हीं के पुण्य से संस्था परिवार वर्धित होते हैं। अधिकतर लोग समझते हैं कि जो काम करने वाले लोग हों वो हमारे साथ रहें, संसार के काम करने वाले तो मजदूर बहुत मिल जाते हैं जो पैसे से आप व्यवस्थित कर सकते हैं, किंतु तप करने वाले, साधन भजन करने वाले ये लोग पैसे से मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं तो सब लगभग मंडलेश्वरों से भी जो हमारे प्रेमी हैं उनसे कहते रहते हैं कि संस्था में भजनानंदी लोग होने चाहिए, स्वाध्याय में प्रीति रखने वाले लोग होने चाहिए, उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। कारण क्या है कि उन महत् पुण्यों की वजह से परमात्मा आते हैं और जहां परमात्मा आते हैं वहां सड ऐश्वर्य अपने आप आते हैं। केवल लक्ष्मी पर दृष्टि रख करके कि इससे हानि इससे लाभ, वही लाभ हानि की दृष्टि रखी गई तो संस्थाएं चौपट हो जाएंगी, परिवार चौपट हो जाएगा। विदुर जी महाराज कौरवों के पुण्य थे और वह निकल करके चले गए, किंतु साधु का स्वभाव जो होता है, ध्यान रखना, साधु ते होए न कारज हानि, साधु से सभी कभी कार्य की हानि नहीं होती है। विदुर चाहते तो पांडवों से मिल जाते और यदि पांडवों से मिल जाते तो कौरवों की गुप्त से गुप्त बात उनको पता थी, कमजोरी पता थी, कौरव नष्ट हो जाते शीघ्राति शीघ्र नष्ट हो जाते, किंतु विदुर
पांडवों से नहीं मिले, परमात्मा से प्रेम करते थे तब भी पांडवों से नहीं मिले, दरवाजे पर धनुष रख करके वहां तपस्या के लिए चले गए। विदुर को मैं वंदन करता हूं, लगभग 35 वर्ष विदुर जी का कोई परिचय नहीं रहा और किसी से मुलाकात नहीं की। अरे नारायण कहां तक कहें, उन्होंने महाभारत युद्ध में हार हुई कि विजय हुई ये भी जानने की चेष्टा नहीं की। नहीं तो हम तो एक भारत के नागरिक हैं, हमारे चित्त में भी रहता है हिमालय में बैठ करके भी कि इस समय किसकी जीत किसकी हार हो रही है, किंतु उस महत्पुरुष की दृष्टि बिल्कुल नहीं थी। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब जो होना हो, जब तक थे हम तब तक पूरे थे और अब हम जहां हैं वहां पूरे हैं। मनुष्य की बड़ी विडंबना है नारायण, आजकल तो और भी विडंबना हो गई, ये पूरा रहना जानता ही नहीं है। न पूरा पत्नी के साथ रहता है, न पूरा व्यापार में रहता है, न पूरा भोजन में रहता है, सब जगह अधूरा अधूरा। और सबसे ज्यादा आजकल कहीं रहता है व्यक्ति तो ये मोबाइल में रहता है, ये दूसरी माया है। भोजन करता हुआ मोबाइल में अटका है, महाराज कहीं भी है मोबाइल में अटका है। इसलिए पूरा रहना सीखो संतों से। विदुर जी महाराज मंत्री थे तो पूरे थे, भक्त बने तो पूरे बने, विरक्त बने तो पूरे बने, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई पक्ष नहीं, कोई विपक्ष नहीं, केवल भगवान का चिंतन। 35 वर्षों के बाद लगभग श्रीधाम वृंदावन में श्री उद्धव जी से मुलाकात हो गई। श्रीधाम वृंदावन में श्री उद्धव से मुलाकात हुई और भैया ध्यान रखना, स्त्री बिटानाम इव साधु वार्ता, जैसे कामी मिलता है तो कामनी की चर्चा करता है, भोग की चर्चा करता है, व्यापारी मिलता है तो भाव की चर्चा करता है, के भाव है, ऐसे बोलते हो ना, के भाव है, मारवाड़ी लोग के भाव बोलते, के भाव है। तो व्यापारी मिलता है तो व्यापार की चर्चा करता है, भाव की चर्चा करता है, किंतु यदि संत मिलता है तो भगवंत की चर्चा करता है। आप कभी विदुर के प्रश्न सुनिए और उद्धव की वार्ता सुनिए, संसार की चर्चा नहीं हुई कि तुमने क्या खाया, कहाँ रहे इतने दिन, क्या करते रहे, कौन से कमरे में रहे, कोई चर्चा नहीं। वहाँ से गंगा जी दिखती हैं कि नहीं दिखती, भोजन टाइम से मिलता है कि नहीं मिलता, कोई संसार की चर्चा नहीं। एकमात्र चर्चा तो यदि भगवत चर्चा, सचमुच में चर्चा करने लायक तो यही विषय है, संसार की चर्चा करने लायक है ही नहीं। चाहे अच्छी हो या बुरी हो, संसार की चर्चा तो बुरी ही बुरी है, अच्छी चर्चा भी बुरी और बुरी चर्चा भी बुरी। इसलिए चर्चा करना हो तो केवल भगवान की चर्चा करो, हरि कथा कथा, भगवत कथा ही कथा है, भगवत चिंतन ही चिंतन है, भगवत विचार ही विचार है, भगवत गान ही गान है, अन्य गान गान नहीं, अन्य विचार विचार नहीं। तो भगवत विचार हो, भगवत चिंतन हो, इसलिए इन संतों के मिलन से सीखा जाए। इन दोनों महत्पुरुषों के बीच में केवल श्री कृष्ण की चर्चा हुई। उद्धव श्री कृष्ण के रंग में रंगे हैं तो भगवान के स्वभाव की चर्चा करते करते रो पड़े। ध्यान रखना, संसारी प्रभाव से प्रभावित होता है और संत स्वभाव से प्रभावित होते हैं। संतों के जीवन में किसी का प्रभाव बहुत हो उससे कोई लेना देना नहीं, कि उसके पास मुख्यमंत्री आता है कि प्रधानमंत्री आता है कि कौन नेता आता है, कोई लेना देना नहीं। संत देखते हैं इनका स्वभाव कैसा है। तो हमारे श्री उद्धव जी महाराज ने श्री कृष्ण के स्वभाव का वर्णन किया है, अहो
स्वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। आहा, एक वकी थी, वकी, वकी माने ये बकासुर की बहन थी, जिसका नाम था पूतना। थी तो दुष्टा किंतु भेष बनाकर सुंदर स्त्री का गई थी, और वक्षस्थल में कालकूट जहर लगाया था जो परमात्मा को मारने के लिए गई थी। किंतु वारे वा ठाकुर महाराज, उन्होंने क्या किया, मारने वाले को भी मां की गति दे दी। गई मारन पूतना कुछ कालकूट लगाई, मातु की गति दई ताही कृपालु यादव रहे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ऐसो को उदार जगमाही बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाई। भावपूर्ण अभिव्यक्ति से उद्धव जी ने किया। भगवान की मुख्य मुख्य लीलाएं जो हमारे श्री उद्धव को बहुत प्यारी लगती थी, जिन जिन लीलाओं ने उद्धव का चित्त चुराया था, लगभग जीवन की संपूर्ण चर्चाएं सुनाई, और सुनाने के बाद कहा कि वो श्री कृष्ण अब सुधाम गमन कर गए। और जो कहा सुधाम गमन कर गए, तो विदुर रो पड़े कि अरे हम उनसे मिल भी नहीं पाए, कोई चर्चा भी नहीं हो पाई। हमारे श्री उद्धव जी महाराज ने कहा कि विदुर तुम बहुत भाग्यशाली हो, श्री कृष्ण जब सुधाम गमन करने वाले थे तब उन्होंने एक बात कही थी महात्मा मैत्रेय को कि हमारा विदुर आए तो ये हमारा संदेश उसको दे देना। हमारा विदुर, भगवान ने तुम्हारा स्मरण किया कि हमारा विदुर आए तो तुम सत्संग के लिए जाओ। एक बात कहूं, विचारणीय विषय है, विदुर के त्याग में कमी नहीं थी, विदुर के वैराग्य में कमी नहीं थी। इतना बड़ा मंत्री पद तुरंत त्याग दिया, और तप ऐसा किया कि कुछ पूछो नहीं, किंतु उसके बाद भी उनको सत्संग की जरूरत थी। सत्संग की बहुत जरूरत है, त्याग वैराग्यपूर्ण जीवन होने के बाद भी सत्संग की परम आवश्यकता है। बड़े बड़े तपस्वी, अभी हम आपको सुनाएंगे, एक दो वर्ष तप करने वाले लोग नहीं, हजारों वर्ष तप करने वाले लोग, अरे परमात्मा की प्राप्ति हो जाने के बाद भी सत्संग की जरूरत है। परमात्मा की प्राप्ति हो जाने के बाद भी सभी लोग एक स्वर से इस बात को स्वीकार करेंगे कि श्री उद्धव जी को परमात्मा की प्राप्ति हुई, श्री ध्रुव को परमात्मा की प्राप्ति हुई, किंतु इन लोगों को भी सत्संग की आवश्यकता पड़ी। सत्संग की बहुत गरिमा, बहुत महिमा है। तप से तो शरीर पवित्र होता है, आप तप करेंगे तो शरीर पवित्र होगा आपका, संयम करेंगे तो इंद्रियां पवित्र होंगी, ध्यान करेंगे तो मन पवित्र होगा। इसलिए इन सब के पवित्र होने के बाद भी बुद्धि जब तक ब्रह्मात्मिक के बोध वाली नहीं बनती, तब तक काम नहीं बनेगा। हमने बड़े बड़े तपस्वी होने के बाद भी देखा है कि अगर सत्संग का अभाव हुआ तो ईंटे पत्थर ही जोड़ने में लग गए, और पूरा जीवन ईंटे पत्थर जोड़ने में लग गया, पूरा का पूरा जीवन उसी में व्यर्थ चला गया। और ईंटे पत्थर ये कितने दिन रहने वाले हैं जी, ये बहुत ज़्यादा दिन तक रहने वाले नहीं हैं। पहले ईंटा पत्थर जोड़ो, फिर बाद में उत्तराधिकारी की खोज करो कि उत्तराधिकारी अच्छा मिल जाए। अब उत्तराधिकारी अच्छा न मिले तो और कष्ट, पूरा जीवन उसमें लगाया है। इसलिए सत्संग की बहुत आवश्यकता है।
हम देखते हैं अपने गुरुजनों को एक क्षण भी सत्संग के बगैर व्यर्थ नहीं करते थे। सुबह से उठ करके शाम तक, जब तक है जीवन, जब तक सांस है, तब तक सत्संग है। बहुत आवश्यक है सत्संग की। तो हमारे श्री उद्धव जी महाराज ने प्रेरणा देकर के विदुर को मैत्रेय महात्मा के पास भेजा। एक निवेदन और भी कर दूं, हमारे श्री कृष्ण महात्माओं की गरिमा जानते हैं और महात्माओं की गरिमा बढ़ाना चाहते हैं, दोनों बातें। कई बार हम महात्माओं की गरिमा जानते हैं किंतु महात्माओं की गरिमा बढ़ाना न चाहें, किंतु भगवान पग पग पर संतों की गरिमा बढ़ाने में लगे रहते हैं। भगवान चाहते तो हृदय में श्री विदुर के ज्ञान दे सकते थे। जो ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान दे सकता है, ब्रह्मा को कोई प्रवचन नहीं दिया था वेद का, ब्रह्मा को हृदय में ज्ञान दिया था। अरे वो हृदय का साक्षी, हृदय में महाराज पकड़ करके हृदय को में प्रकट हो सकता है, किंतु उसके बाद संतों की महिमा बढ़ाने के लिए इनको महात्मा मैत्रेय के पास भेजा। महात्मा मैत्रेय गंगा द्वार हरिद्वार में रहते हैं। द्वारुद्य नद्यः ऋषभ कुरूणाम मैत्रेयमासीन मगाद बोधम। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक जगह भी हरिद्वार शब्द का प्रयोग नहीं है। कहीं भी हरिद्वार शब्द का प्रयोग जहां होता है वहां गंगा द्वार शब्द प्रयोग करते हैं। गंगा द्वार इसलिए प्रयोग करते, हमारे महाराज जी तो विनोद करते थे, बात भी सच्चाई की थी, थी विनोद के सहित किंतु सच्ची थी। एक बार इलाह अपने हरिद्वार में बहुत बड़ा कुंभ लगा था और नागाओं में झगड़ा हो गया, सयु नागा और वैष्णव नागा। सयु नागा जो हमारे थे दशनामी अखाड़े के, उन नागाओं ने कहा कि इस स्थान का नाम हरिद्वार है, क्यों केदारनाथ भगवान शंकर हैं और शंकर का नाम हर है, वहां जाने का रास्ता है, प्रथम द्वार है, इस देश का नाम हरिद्वार है। किंतु वैष्णवों ने, नागाओं ने कहा कि नहीं नहीं, ये बद्रीनाथ जाने का दरवाजा है, बद्रीनाथ साक्षात श्री हरि हैं, उनका दरबार है, इसलिए इसका नाम हरिद्वार होगा। एक हरिद्वार कहें, दूसरे हरिद्वार कहें, इसमें तलवारें खिंच गई जी, जाने कितने लोगों की गर्दनें कट गईं और न्यायालय में मुकदमा गया। उस समय अंग्रेज जज था, उसने कहा कि न तुम्हारी बात सही न तुम्हारी बात सही, न इसका नाम हरिद्वार होगा न इसका नाम हरिद्वार होगा, मर जाने के बाद लोग हड्डियां यहां डालते हैं, इसलिए इसका नाम हाड़द्वार रखा जाएगा। तो महात्माओं ने कहा कि इतने तो नाम महाराज अर्थ ही बिगाड़ दिया, अब कहां हरी और कहां हर और कहां हाड़, अर्थ ही बिगड़ गया। तो संतों ने कहा भैया अब हमको झगड़ा नहीं करना है, तुम्हें जो कहना हो सो कहो। तो कुछ लोग हरिद्वार कहते हैं और कुछ लोग हरिद्वार कहते हैं, हमारे वृंदावन वाले लोग तो इसको हरिद्वार ही कहते हैं, किंतु जो पंजाब से आने वाले भक्त हैं अधिकतर वो लोग हरिद्वार बोलते हैं। हरिद्वार कहाँ जा रहे हो? हरिद्वार जा रहा हो, हरिद्वार जा रहा हो। तो सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि हरिहर के चक्कर में हम काहे को पड़े, बीच का रास्ता निकाल दिया, गंगा द्वार। हरिद्वार का नाम क्या रखा? गंगा द्वार। कारण क्या? स्वाभाविक है कि यहां से गंगा, अभी तक जो गंगा बह रही थी हरिद्वार तक, वो अपने घर में बह रही थी, वो हिमालय में बह रही थी, अब यहां से गंगा को बहना है मैदान में, तो ये अपने द्वार से निकल रही है गंगा, इसलिए गंगा द्वार है। गंगा द्वार में एक महात्मा बैठे हैं, द्वारुद्युनद्यः ऋषभ कुरूणाम मैत्रेयमासीन मगाध बोधम। अगाध बोध स्वरूप, बोध ऐसा कि अगाध बोध, ज्ञान ऐसा कि जिस ज्ञान की कोई थाह न पा पाए। कल हम लोग सुन रहे थे, हमारे महाराज श्री से किसी ने पूछा प्रश्न कि आपको किस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है,
आपको किस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, बोले इसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता, और सब प्रश्नों का उत्तर है किंतु इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं। अगाध बोध, ऐसा कोई दुनिया में प्रश्न है ही नहीं जिस प्रश्न का उत्तर मैत्रेय महात्मा को न मालूम हो। हमारे महर्षि को तो संत लोग कहते थे ये चलते लाइब्रेरी, चलते फिरते लाइब्रेरी है। केवल सांकर दर्शन नहीं, वैष्णव दर्शन का, किसी भी दर्शन का कोई उनसे प्रश्न कर ले। हमारे एक गोविंद देवगिरी जी महाराज हैं, पहले वो सफेद वस्त्रों में थे तो व्यास थे, अभी संन्यास ले लिया, तो वो बताते हैं गोविंद देवगिरी जी महाराज कि मैं वृंदावन में आया और कोई बात बोली तो लोगों ने काट दिया। अब काट दिया, सत्संग कर रहे थे तो सायंकाल जब महर्षि के पास में गए तो महर्षि ने उसका सच्चा प्रमाण दिया, ग्रंथ निकाल करके प्रमाण दिया और कहा इस पंक्ति में ये बात लिखी है, तुमसे कोई पूछे तो कह देना यही सही है। तो उनको आश्चर्य लगा कि इनको कैसे पता चल गया कि ये बात ऐसी थी। तो कई बार भाव से बताते हैं वो, हम कथा में उनके सुने, कारण क्या था कि उनको सब दर्शन अपने दर्शन लगते थे और जब दर्शन का प्रतिपादन करते थे तो ऐसा लगता था कि सचमुच में इनसे बड़ा वैष्णव कोई नहीं होगा, और जब वह वेदांत दर्शन का प्रतिपादन करें तो लगता था इनसे ज़्यादा द्वैती वेदांत कोई नहीं होगा। धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी महाराज ने पूछ दिया महर्षि से हमारे कि आप जो लीला का वर्णन करते हो, कृष्ण की लीला का, वह स्वपक्ष से वर्णन करते हो कि परपक्ष से? महर्षि ने मुस्करा करके कहा कि महाराज जी मैं परपक्ष से वर्णन करता हूँ। तो कर्पात्री जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर बोले तन्मुखे घृत शर्करा, तुम्हारे मुख में घी शक्कर। कारण क्या है, द्वैत वेदांत का जो दर्शन है वह अद्भुत दर्शन है, उस दर्शन के आधार पर नहीं, वह वैष्णव दर्शन के आधार पर प्रतिपादन करते थे। तो नारायण में निवेदन कर रहा था ये महात्मा जो मैत्रेय हैं ये अगाध बोध स्वरूप हैं, और उनके चरणों में जब विदुर पहुंचे तो पप्रक्ष सौशील्य गुणाभितृप्ता। एक बात बहुत ध्यान देने की, आप सबसे हमारा निवेदन है इस शरण पर आप जरूर ध्यान देना, अच्युत भाव शुद्ध। विदुर जब मैत्रेय महात्मा के पास गए तो महात्मा समझ करके नहीं गए, परमात्मा समझ कर गए। उनको लगा कि मैं महात्मा के दर्शन करने नहीं जा रहा हूं, मैं साक्षात परमात्मा के पास जा रहा हूं। अच्युत भाव शुद्ध, अच्युत भाव से भरे हुए, परमात्मा भाव से भरे हुए। विदुर को लगता था कि श्री कृष्ण ने भेजा है तो श्री कृष्ण कोई सामान्य महात्मा के पास हमको नहीं भेज सकते, और ये मैत्रेय महात्मा साक्षात अच्युत स्वरूप है, और महात्मा होते ही अच्युत हैं। जो अपने स्वभाव से च्युत न हो, अपने चिंतन से च्युत न हो, अपने विचार से च्युत न हो, साक्षात जो अच्युत स्वरूप हैं, ऐसे महाराज मैत्रेय महात्मा के पास जब हमारे विदुर जी पहुंचे तो पप्रक्ष सौशील्य गुणाभितृप्ता। प्रश्न पूछने का एक तरीका होता है, शास्त्र में इस बात पर बहुत जोर दिया गया, ये जोर दिया गया कि पूछने वाला यदि आदर से न पूछे, मनुस्मृति की बात बता रहा हूं, पूछने वाला यदि आदर से न पूछे, अपने को प्रश्न का उत्तर मालूम हो तब भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए। अगर उसको आदर हो और जिज्ञासा हो, जानना चाहता हो, जानने का मन हो उसका, केवल परीक्षा के लिए नहीं, हृदय में जिज्ञासा हो, तब प्रश्न पूछना चाहिए। और मैं तो एक निवेदन और भी गृहस्थों को करता रहता हूं कि महात्मा का क्षण और अन्न का कण कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। महात्मा के पास जाओ तो उतनी ही बात करो जितनी बात तुम्हें आवश्यक हो, उनका समय व्यर्थ मत करो, उनके चिंतन को बिगाड़ो मत। क्योंकि मैं कई बार देखता हूं
बहुत असर पड़ता है चिंतन में। कोई अपनी पीड़ा बता जाए, कोई अपना दुख बता जाए, तो हमारी तो कई बार नींद नहीं आती हमको। किसी की पीड़ा यदि सुन लूं मैं तो रात भर नींद नहीं आती और लगता है कि क्या करें हम। और यदि रात्रि को नींद नहीं आती है फिर दूसरे दिन की कथा बिगड़ जाती है। अब कथा बिगड़ जाए क्योंकि रात्रि में नींद नहीं आई तो स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तो मुझे अब लगने लगा, पहले नहीं लगता था, कि सचमुच में महात्माओं के सामने संसार की चर्चा नहीं परमात्मा की ही चर्चा करनी चाहिए, परमात्म विषय के ही प्रश्न पूछने चाहिए। अब हमारी बहू कैसे हमारे बस में रहेगी, अब ये महात्माओं से पूछने के लिए बैठोगे तो महात्मा सोचते अगर ये मंत्र हमको जानता होते तो हम ही ब्याह नहीं कर लेते, हमको इसका मंत्र पता होता तो हम ही काहे को घर द्वार छोड़ करके निकलते। अरे भाई ये पूछो कि हमारा मन कैसे बस में रहेगा, हमारा कल्याण कैसे होगा, कोई महाराज ये प्रश्न नहीं पूछता। अधिकतर आकर लोग संसार के ही प्रश्न पूछते, ये कैसे बनेगा, फैक्ट्री कैसे चलेगी, अमुक कैसे होगा। अच्युत भाव के साथ साथ यहाँ इतनी बढ़िया बात कही, पप्रक्ष शौशील्य गुणाभितृप्ता। और जो प्रश्न है सचमुच में अद्भुत प्रश्न है। मैं कई बार लोगों की दृष्टि उधर खींचता हूँ। प्रारंभ में तो इन्होंने बात बड़ी सुंदर रखी कि सुखाय कर्माणि करोति लोको, दुनिया के लोग कर्म करते हैं सुख पाने के लिए, दुख कोई पाना चाहता नहीं है, किंतु तब भी दुख आ जाता है। लोगों की दुर्गति का कारण क्या है, महात्मा विदुर कहते हैं दुर्गति का कारण ये है कि लोगों ने भगवान की तरफ तो पीठ कर दी है और संसार की तरफ अपना मुख कर दिया है। आप जरा विचार करो, जो सुख स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, जो शांत स्वरूप है, उधर से तो हमने मुख मोड़ लिया है, और जो प्रज्वलित अग्नि है, ये संसार नश्वर है नारायण, नश्वर संसार है। वेदों में तो वर्णन है दुखालय अशाश्वतम, ये दुख का घर है और अशाश्वत है, ये सदा रहने वाला नहीं है। आपको बताएं संसार को संसार कहते ही इसलिए हैं क्योंकि ये सरक रहा है, जगत इसलिए कहते हैं गच्छति इति जगत, ये चल रहा है, ये परिवर्तनशील है। हमने परिवर्तनशील संसार की तरफ मुख कर दिया है और भगवान की तरफ से पीठ कर दी है। हमारे महाराज जी ने कहा कि एक जगह में दर्शन के लिए गया तो वहां के श्री ठाकुर जी ने हमको कहा कि महाराज जी हमको इस मंदिर से निकालो, अब मैं इस मंदिर में नहीं रहना चाहता। और जो हेतु दिया कि मंदिर में क्यों नहीं रहना चाहते, तो कहा मंदिर में इसलिए नहीं रहना चाहते कि पुजारी जी महाराज दिन भर हमको अपान वायु छोड़ते रहते हैं। आप कभी ध्यान देखना ये पुजारी लोग क्या करते, मंदिर में ठाकुर जी की तरफ तो पीठ कर देते और दरवाजे में स्वयं खड़े हो जाते, उनकी दृष्टि भगवान पर नहीं होती है, उनकी दृष्टि आराध्य पर नहीं होती है। मैं वैष्णव की बात नहीं कर रहा, वैष्णव चरण तो ठाकुर को सर्वस्व मान करके जीते हैं, किंतु सामान्य पुजारियों की बात कर रहा हूं। महाराज वो केवल देखते रहते कौन जजमान आएगा, क्या दे जाएगा, कैसे दे जाएगा, ऐसी वृत्ति। और पीठ उनकी भगवान की तरफ है, साहन शाह जिसके दरबार पर बैठे हैं और भिखारियों के सामने भीख मांग रहे हैं, दुर्भाग्य है जी। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मोर दास कहाय नर आशा, भगवान का दास होकर के दूसरे के सामने हाथ फैलाए, महाराज इससे ज्यादा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। भगवान दुखी होते हैं, भगवान को लगता है कि मेरा तिलक छाप रखा है, मेरा कपड़ा पहन रखा है, मेरा नाम लेता है, किंतु मेरे नाम को ही बदनाम करता है। जरा आप लोग विचार करो, आपका बेटा आपसे कुछ ना मांगे और रिश्तेदारों से पैसा ले लेकर खर्चा करे, उधार ले लेकर के, तो आपको पता चले तो प्रसन्नता होगी, बहुत अच्छा होगा कि हमारा बेटा हमसे तो बड़ा महाराज उदार है, हमसे कुछ नहीं मांगता है। ऐसे भगवान से न मांग करके संसार से मांगना, ये संसार की तरफ मुख करके बैठ जाना,
ये दुर्भाग्य का ही द्योतक है, भगवान की तरफ पीठ करने का ही प्रतिफल है। बाद में हमारे श्री विदुर जी महाराज ने कहा कि आप भगवान की कथा सुनाओ हमको, यह कर्ण नाड़ी ही क्यों सुनाओ। उन्होंने कहा गेह रतिम छिनत्ती, जो गेह के प्रति हमारी रति है वो कट जाए। गेह माने ध्यान रखना आप लोग, थोड़ा सावधान होकर सुनना, घर माने केवल ईंटा पत्थर का घर नहीं होता है, घर माने गृहिणी गृह मुच्यते। अधिकतर पुरुष का अपनी गृहिणी से प्रेम बना रहता है, ये गृहिणी से हमारी रति कैसे छूटे। अथवा मट्टी का जो मकान बना हुआ है, मैं तो सच कहूं जो संसार से प्रेम करता है वो बड़ा दुर्भाग्यशाली लगता है, क्यों, वो वन साइड लव है, एक तरफा प्यार। और जो एक तरफा प्यार होता है ना, वो दुख के अलावा कुछ नहीं देता जी, एकांगी प्रीति। आप कहोगे कि संसार की प्रीति एकांगी प्रीति क्यों है, रुपया से आप चाहे कितना प्रेम करो किंतु रुपया आपसे प्रेम करेगा। कभी लक्कड़ जी कहा है आई लव यू, बोला है कभी धन, कभी नहीं बोला। घरवाली तो बोली होगी, कभी बोली है कि नहीं बोली, न बोले तब भी समझ जाना। तो संसार के जितने जड़ पदार्थ हैं वो कभी हमसे प्रीति नहीं करते, प्रीति कर सकते नहीं है, और हमारी ही प्रीति उनके तरफ है, हमारा ही प्रेम उनसे है। तो ये प्रेम कैसे कटे आप हमको कृपा करके सुनाइए। महात्मा मैत्रेय जी ने, महाराज ने विदुर जी की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि मैं जानता हूं आप साक्षात धर्मराज हैं, मांडव्य ऋषि के शाप से आपने ये शरीर ग्रहण किया है। और वैसे तो मैत्रेय महात्मा के पास जब पहुंचे थे तो मांडव्य ऋषि का श्राप भी बाधित हो गया था, क्योंकि 100 वर्ष तक के लिए श्राप था। और ये 100 वर्ष के बाद, आपको एक निवेदन करूं, भगवान श्री कृष्ण, वैसे तो श्री कृष्ण आज भी हैं, अमर ऋषि सूत जी महाराज ने, अन्य महात्मा वृंदावन वाले तो इस बात को बहुत जोर ही देते हैं, वृंदावन वाले तो कहते हैं कि श्री कृष्ण कभी छोड़कर वृंदावन ही नहीं जाते, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वैसे ही पद्म पुराण में वर्णन है सकृष्ण क्वापि नो गतः, पद्म पुराणकार कहते हैं वह कृष्ण कहीं गया नहीं, आज भी हाजिर हुजूर है। श्री कृष्ण कहीं गए नहीं है, हाजिर हुजूर है, किंतु लीला की दृष्टि से मैं निवेदन कर रहा हूं 125 वर्ष श्री कृष्ण सशरीर इस धराधाम में रहे, गोलोक से आए थे बाद में गोलोक चले गए, किंतु हमारे श्री विदुर जी महाराज इससे ज्यादा रहे। श्री कृष्ण के प्राकट्य के पूर्व, ध्यान रखिएगा, श्री कृष्ण के प्राकट्य से पूर्व श्री विदुर का जन्म हो चुका था, और श्री कृष्ण के प्रयाण के बाद भी कई वर्ष तक हमारे श्री विदुर जी महाराज का यहां रहना हुआ। कारण क्या, ये भगवत इच्छा थी, जैसे उद्धव को भगवान चाहते थे कि उद्धव यहां रहें, क्योंकि उद्धव यदि यहां रहेंगे तो लोगों का कल्याण होगा, वैसे विदुर जी यहां रहें। कारण क्या है कि विदुर जैसे संत जितने दिन रहते हैं उतना लोक का कल्याण ज्यादा होता है, इसलिए संत ज्यादा दिन तक रहें, वो जितने दिन तक रहेंगे शरीर से उतना अधिक कल्याण समाज का होगा। तो ऐसे तो ये इनके जीवन में मांडव्य ऋषि का शाप बाधित हो चुका था, किंतु उन्होंने कहा हम आपको पहचानते हैं, हम जानते हैं, तुमने जो प्रश्न किया उन प्रश्नों का समाधान मैं कर रहा हूं। और एक बात और भी इन्होंने कई प्रश्न बाद में पूछे हैं, उन प्रश्नों में ये भी पूछा कि जो परमात्मा निर्गुण निराकार है उसके जीवन में ये संकल्प कैसे हुआ कि तदैक्षत एको हम बहुश्यामी प्रजाए, एक से मैं अनेक हो जाऊं, वो किसके लीला के लिए उसने काम किया है, कैसे किया है, आप कृपा करके हमको बताइए। इन्होंने मूल से ही पकड़ा, क्योंकि मूल से ही फूल निकलते हैं,
अगर मूल पकड़ में आ जाए तो फूल की विशेषता आदि सब पकड़ में आ जाएगी। तो दसवें अध्याय में, बीच में तो लीलाओं का वर्णन किया है, किंतु दसवें अध्याय में दस प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया है। ये पंचपर्वा विद्या से लेकर के मैदाद आदि से लेकर के ये दस प्रकार की सृष्टि परमात्मा, दसवें अध्याय में दस प्रकार की सृष्टि, बाद में सृष्टि बन जाने के बाद समय का विभाग किया। समय का विभाग ऐसे किया, इसको थोड़ा समझ में आ जाएगा। आज जो हम समय सबसे छोटा समय मानते हैं वो सेकेंड मानते हैं, 60 सेकेंड का फिर एक मिनट, 60 मिनट का एक घंटा, ऐसे 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात्रि, रात्रि दिन, ऐसे 7 दिन का सप्ताह, फिर 15 दिन का महाराज पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, ऐसे एक दो पक्षों को मिलाकर एक महीना, फिर दो दो महीने की ऋतुएं, फिर 6 महीने का महाराज अयन, उत्तरायण और दक्षिणायन, दो अयन मिलाकर के एक वर्ष, जो आज के गिनती के आधार पर, वैसे तो वहां इस गिनती को अलग ढंग से बताया गया है, एकादश अध्याय में अलग ढंग से गिनती बताई गई, क्योंकि काल का निर्धारण सूर्य के आधार पर होता है और गति काल की नापी जाती है। तो जो सूर्य की रश्मियां हैं उन रश्मियों, देखो ध्यान रखना, ये जो विज्ञान के जानकार हैं जान जाएंगे, सूर्य की रश्मियों को यहां तक पृथ्वी तक आने पर कितना समय लगता है इसका भी निर्धारण है। जैसे सूर्य वहां विकसित हुआ तो तुरंत नहीं आ जाता है, प्रकाश की भी एक गति है, वायु की गति जैसे है वैसे प्रकाश की भी एक गति है। तो वह प्रकाश जो छोटा से छोटा अणु है उस अणु को पार करने में जितना समय लगाता है उस समय से निर्धारित काल का निर्धारण किया गया। ऐसे अब जो हमारा अभी का, क्योंकि समझना हमको अभी है इसलिए हमने आज के ही काल की गिनती आपके सम्मुख रखी है, भगवत कृपा से वो काल हमारे चित्त में बैठा हुआ है, गुरुचरणों में बैठ करके भागवत पढ़े हैं और रुचि से पढ़े हैं, इसलिए वो दिमाग में धारणा है। मैं भागवत की विद्वता बघाड़ने के लिए भागवत कथा नहीं करता हूँ, भागवत कथा इसलिए करता हूँ कि भागवत का रहस्य आप तक पहुँच सके, आप भागवत क्या है इसको पहचान सको, भागवत जान सको। अब बहुत विलक्षण भाषा में, वैदुष्यपूर्ण भाषा में हम आपको समझाएं तो आप लोग बाहर निकल करके कहोगे महाराज जी हैं तो बहुत विद्वान किंतु समझा क्या, खाक नहीं, सब ऊपर से निकल गया, उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए। हमारे महर्षि कहते थे कथा करने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि कठिन से कठिन विषय को सहज भाषा में कहा जा सके, अगर कठिन से कठिन बात को सहज भाषा में नहीं व्यक्त किया जाता तो हमको कथा करना नहीं आया, हमको विषय को प्रस्तुत करना नहीं आया। विषय का प्रस्तुत करना यही है कि कठिन से कठिन बात आपके समझ में आ जाए। तो मैंने निवेदन किया कि जो 6 महीने के महाराज अयन हैं ये दो अयनों को मिलाकर एक वर्ष, ऐसे 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, अब इसको फिर दुगुना कर दो, उतने का त्रेता, उसका और दुगुना, उतने का सतयुग, ये काल का निर्धारण किया। अच्छा ये काल ऐसा नहीं, आप लोग कभी ये मत समझ लेना कि जैसे रात्रि काल आ जाता है तो फिर वो अंत हो गया, अंत नहीं, पुनः फिर प्रातः काल आता है। तो पहले सतयुग, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, और कलयुग के बाद फिर सतयुग, ये एक चतुर्युगी होता है। ऐसे कितने 71 चतुर्युगियों का ऐसे पूरा पूरा इसका एक गणित है। अभी भी आप लोग ये मत समझ लेना कि जो ये कलयुग चल रहा है ये कलयुग का प्रथम चरण है, कलयुगे कलि प्रथम चरणे, और इस कलयुग के बाद प्रलय नहीं है। आप ये मत समझ लेना कि कलयुग समाप्त हो जाएगा तो सृष्टि नाश हो जाएगी, जैसे आजकल वैज्ञानिकों के द्वारा या बहुत ज़्यादा प्रचारित हो रहा है कि ग्लेशियर बहुत गल रहे हैं, तो ग्लेशियर जब ज़्यादा गल जाएंगे तो सृष्टि लय हो जाएगी, सृष्टि नष्ट हो जाएगी।
और मैं वैज्ञानिकों से ज्यादा प्रमाणित अपने भागवत को मान करके कह रहा हूं, आप लोग बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल लय नहीं होगी। पृथ्वी का एक टुकड़ा लय हो जाए वो अलग बात है, देश कोई नष्ट हो जाए वो अलग बात है। एक देश नष्ट होगा तो दूसरे देश बन जाएंगे। हम एक दिन विचार कर रहे थे कि ग्लेशियर गलने की बात जो होती है वैज्ञानिकों की, ठीक है उनका विज्ञान सही है कि इतनी गर्मी बढ़ेगी तो इतना ग्लेशियर गल जाएगा, इतना ग्लेशियर है तो इतने दिनों में ये गल जाएगा, पूरा नष्ट हो जाएगा, उनका गणित बिल्कुल सही है, किंतु कब नए ग्लेशियर बन जाएंगे ये उनका गणित नहीं है। कब नए ग्लेशियर बन जाएंगे और कितनी गति से बनेंगे इसका भी उनके पास विज्ञान नहीं है, वो तो केवल गलने का विज्ञान है, नष्ट होने का विज्ञान उनके पास में है। इसलिए हमारे भागवत के आधार पर, पुराणों के आधार पर, कलयुग के लास्ट में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ अभी नहीं, कलयुग का भी, वैसे तो भगवान की ऐसी लीला है महाराज क्या कहें, कई बार बंधन करने का भी मन होता है, कभी बार वैराग्य होता है। अभी एक कल्कि भगवान का अवतार हो चुका है, ये सब मिथ्या वासुदेव हैं जी, मिथ्या वासुदेव। वो कहते हैं मैं ही कल्कि अवतार हूँ, और कई जगह तो हमको तो घूमने को मिलता है, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि ऐसे ऐसे वासुदेव बनते हैं कि भगवान मालिक है। तो अभी कल्कि अवतार हुआ नहीं और होने वाला भी नहीं है, ये कलयुग के लास्ट में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्कि का अवतार होगा, और वह घोड़े पर आरूढ़ होकर के सारे दुष्टों का दलन करेंगे, और दुष्टों का दलन करके सज्जन पुरुषों की स्थापना करेंगे, और स्थापित करके उसी दिन से सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। जैसे रात्रि के बाद प्रातःकाल, प्रातः के काल के बाद मध्यान्हकाल, मध्यान्हकाल के बाद सायंकाल, फिर रात्रि काल, ये काल का चलता रहता है क्रम। तो पहले सतयुग की चर्चा मैं आपके सन्मुख रख रहा हूं, इसलिए कल्प भेद से कथा है, कई कथाएं कल्प भेद में अलग अलग ढंग से हैं। तो पद्म कल्प अलग कहे, जैसे इस समय जो कल्प चल रहा है वो अलग है, तो कल्पों की अलग अलग कल्पों की कथा है। तो सबसे महाराज पहले इस कल्प की चर्चा में आपके सन्मुख कर रहा हूं कि जब ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए और ब्रह्मा जी महाराज को चतुश्लोकी भागवत का दान मिला, ज्ञान मिला, और जब वो सृष्टि बनाने के लिए प्रयुक्त हुए तो संकल्प की सृष्टि बन रही थी। संकल्प की सृष्टियों में सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार बने। वैसे तो एक निवेदन कर दूं, संसार में जितने भी प्राणी हैं सब ऋषि संतान हैं, सब ऋषि संतान हैं। आप किसी के गोत्र पूछो तो कोई न कोई ऋषि का ही नाम आएगा। कारण क्या है, सब ऋषियों की संतान हम आप सब हैं, ऋषि हमारे मूल हैं, हम सब के मूल ऋषि हैं। और एक निवेदन आप सबको कर दूं, हम लोग बंदरों की संतान नहीं है। मैं तो हंसकर कई बार कहता हूं सर्वाये, एक हमारे वैष्णव संत थे सर्वेश्वर दास जी महाराज, हमारे बड़े प्रिय थे और हम उन पर बहुत आदर भी करते थे, अभी तो अयोध्या में बहुत बड़े महंत हैं। तो कोई बात कहनी होती थी तो कहते सर्वा ये समझता क्यों नहीं है, उनकी गाली थी सर्वा, सर्वा वो गाली देते थे सर्वेश्वर दास जी महाराज। तो मैं भी कभी कभी उनके लहजे में कहता हूँ, ये सर्वा जितने वैज्ञानिक हैं ये बंदरों की संतान होंगे, हम बंदरों की संतान नहीं, हम ऋषि संतान हैं, हम लोग ऋषि पुत्र हैं, ऋषि परंपरा से संबंधित हैं। तो सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार उत्पन्न हुए। सृष्टि बढ़ानी थी, ब्रह्मा जी ने इनको कहा कि पुत्र तुम सृष्टि संरचना में लगो, तो चारों ने मना कर दिया क्योंकि तपस्वी थे, तप करने के लिए चले गए। लक्कड़ जी, मैं कई बार विनोद में कहता हूँ कि संसार की सबसे पहली संतान ने अपने बाप की बात नहीं मानी तो तुम्हारे छोरा न माने तो कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है, परंपरा पुरानी है, परंपरा पुरानी है जी। वो कई बार हम अपने शिष्यों के बीच में देखते हैं कोई खटपट या मन मुटाव, तो पहले तो बड़ी पीड़ा होती थी, बहुत दुखित होते थे,
कि ऐसा करते हैं, हमारे साथ रहकर करते हैं, लगता है हमारे ही व्यवहार में कोई गड़बड़ी है, मेरे को जीना नहीं आया सही ढंग से, मैंने ही राग द्वेष पैदा किए, अपने को जीता था बहुत। बाद में एक दिन हमारी दृष्टि गई कि हमारे आराध्य गुरुदेव के समीप जो संत रहते थे उनका भी मन नहीं मिलता था, तो मुझे लगा कि सृष्टि की परंपरा पुरानी है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें अपनी महाराज बुद्धि नहीं खपानी है कि ये ठीक हो जाए ये ठीक हो जाए, किसी में राग न हो किसी में द्वेष न हो और सब लोग शांत रहें, सब लोग, इसमें ज़्यादा बुद्धि खपाने की जरूरत नहीं। ये चारों के चारों महात्मा तप के लिए चले गए। ब्रह्मा जी महाराज को क्रोध आ गया। देखो भाई, क्रोध क्यों आता है? सबको आता है, देवता को आता है कि नहीं? तुम्हारे ऐसे कि ऐसे नहीं बोल रही है, डर रही है कि सोची कि अभी कह दूंगी आता है तो अभी तो नहीं, कमरे में जाते कहेंगे कब ने गुस्सा किया था तुम्हारे ऊपर, तो मौन हो जाने से पता चल जाता है कि आता है। अरे बड़े बड़े महात्माओं को आता है, माताजी डरने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े संतों को क्रोध आता है। क्रोध का बाप कौन है इसको पता लगा लो, जब कारण का पता चलेगा तब उसका निवारण हो सकेगा, इसलिए कारण को जानना चाहिए। गीता में भगवान ने क्रोध की मूल धारा को बताया, संगा संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृत भ्रंसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रम है, तो क्रोध का जन्म होता है कामना से, जहां कामना होती है वहीं क्रोध होता है। और हमने देखा है जिससे प्रेम हम ज्यादा करते हैं उससे क्रोध ज्यादा करते हैं। जब ज्यादा कोई हमारे ऊपर क्रोध करता है ना, तो मैं समझता हूं ये मेरे से प्रेम बहुत मानता है, मैं तो खुश होता हूं, क्योंकि पता चलता है कि प्रेम के कारण क्रोध है, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहीं कामना होती है कि बात हमारी माने, इससे इसका कल्याण होगा। अब जब बच्चों ने महाराज बात नहीं मानी तो ब्रह्मा को क्रोध आ गया, और क्रोध से क्या हुआ, मुझे सद्यो अजायत तन मन्यु कुमारो नील लोहिता। महाराज उनके क्रोध से सद्या माने शीघ्र, सद्यो अजायत तन मन्यु कुमारो नील लोहिता, नील लोहित रंग का बालक उत्पन्न हुआ। और बालक उत्पन्न होकर उसने काम क्या किया, मुझे रोता हुआ प्रकट हुआ, रुरोध, और रोने के कारण क्या किया, ब्रह्मा जी ने उसका नाम रुद्र रख दिया। क्यों रुद्र रख दिया, कि रो रहा था, रुद्र रख दिया, उसको कहा कि तुम सृष्टि बनाओ। और रुद्र ने समझा कि पिताजी का इसमें मूड ऑफ है, और यदि मैंने मना किया तो भाइयों पर तो गुस्सा ही किया था, मेरे ऊपर तो बरस पड़ेंगे, इसलिए कहा कि पिताजी आपकी आज्ञा शर्मा थे, पत्नियां निर्धारित कर दी और स्थान निर्धारित कर दिया, कहा सृष्टि बनाओ। रुद्र ने ऐसी सृष्टि बनाई कि ब्रह्मा को खाने के लिए दौड़ी। ब्रह्मा ने कहा बेटा बंद करो, आपको बताएं इस दुनिया से छूटने का सबसे बढ़िया साधन है काम बिगाड़ दो या बुद्धू बन जाओ। अगर काम ज्यादा करने के चक्कर में पड़े तो आप मुक्त नहीं होगे, बंध जाओगे, इसलिए मुक्त होना हो तो बुद्धू बन जाओ, अथवा मुक्त होना हो तो काम बिगाड़ दो। हम देखते हैं कई माताएं अपने पति देवता को कहें कि अब आटा नहीं लग पाता है, कोई रसोईया रख लो बनाने में, तो ये कहते नहीं आपके हाथ की ही सब्जी बहुत अच्छी लगती है, अगर न रख रहे हो तो डबल नमक और मिर्चा ज्यादा पड़ने लगे तो दो चार दिन के बाद अपने आप खसम कहेगा कि एक रख लो, काम बिगड़ा ना तो मुक्ति मिल गई। मैं कई बार सुनाता हूँ, सच्ची घटना है, हमारे आश्रम में एक विद्यार्थी था, अभी प्रोफेसर है, हमसे जूनियर था, नाम था अवधेश। तो महाराज एक दिन महाराज जी ने उसको बुलाया, जा रहा था, महाराज जी बैठे थे, इधर आओ अवधेश। हाँ महाराज जी। बोले शीतल की दुकान से रंग ले आओ। तो कहता ये शीतल की दुकान कहाँ है,
तो मैं सामने खड़ा था, हमने कहा बिहारी जी के पास में, तो कहा बिहारी जी कहाँ हैं, तो हमने कहा विद्यापीठ चौराहे के पास, तो कहता विद्यापीठ चौराहा कहाँ है। महाराज जी बोले इस मूर्ख को भगाओ और जाओ तुम ले आओ। तो हमने उसको भगा दिया और जाकर रंग ले आए। सायंकाल हम बैठे थे उसके साथ में, हमने कहा क्यों रे अवधेश, तुझे शीतल की दुकान पता नहीं है? तो हंस करके बोला कि ब्रह्मचारी जी पता तो सब है, मैंने सोचा कि आज यदि रंग लाऊंगा तो कल ये बाबा आटा मंगाएगा और कहेगा कि सब्जी ले आओ, तो यहाँ रंग और आटा और भाटा लाने के लिए मैं थोड़ी आया हूँ, पढ़ने के लिए आया हूँ। तो अब देखना कभी नहीं बताएंगे ये, और सचमुच में कभी नहीं, भोजनालय की ड्यूटी नहीं करता था, हम लोग तो भोजनालय की ड्यूटी करते थे, सबको परोस करके खिला करके ही खाना वर्षों तक। और ऐसे नहीं कि महाराज एक दिन ड्यूटी हो, रोज ड्यूटी होती थी और दोनों टाइम की ड्यूटी होती थी भोजनालय की, सबको भोजन परोसना फिर खाना और खा करके फिर पढ़ने जाना। तो उसको महाराज कभी नहीं भोजन की ड्यूटी लगाई जाती थी। अनुभवानंद जी महाराज हमारे कुठारी थे, अगर वो जाकर महाराज जी को शिकायत करते थे कि अवधेश ड्यूटी नहीं करता है, तो महाराज जी कहते थे उस मूर्ख को काहे को परेशान करते हो, पड़ा रहने दो। हमको लगा कि बड़ी बढ़िया बात है, अगर मूर्ख बन जाओ तो छूट जाओ, अगर मूर्ख न बनो तो महाराज फंस जाओ। आपको बताएं एक दिन राजस्थान में एक गांव में मैं कथा कर रहा था, शहर था, तो एक उनका बच्चा था, पोता था जिनके घर में, मैं गया भोजन के लिए, एकदम हृष्ट पुष्ट स्वस्थ, और आकर के हमारे सामने कथा बैठता था, सुनता था पद्मासन लगा करके, और महाराज गर्दन भी इधर उधर न करे। तो हमको जब पता चला तो मैं उनके घर में भोजन करने गया, तो लोगों ने बताया कि तो बावरा है, न कभी बोलता है और न कभी कुछ करता है। तो हमको लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है। तो महाराज वो बैठा था बगल में, घर वाले इधर उधर गए थे काम में, हम दोनों ठंड का समय था एक ही बिस्तर पर बैठे थे, मेरे बिस्तर में बैठा था एकदम कमर सीधी करके। हमने कहा क्यों जी बोलते क्यों नहीं हो, बोले तुम बोलते हो तो फंसे रहो, मेरे को क्यों फंसाते हो। ऐसे ही कह के महाराज फिर मौन हो गया, और जैसे घर वाले लोग आए तो कमर सीधी कर ली, कमर सीधी करके बिल्कुल आंख बंद करके मैंने कहा ये तो बोलता है। उन्होंने कहा महाराज जी आज 20 साल का हो गया, अभी तक तो बोला ही नहीं है, अब हम कैसे कहें कि मेरे से बोला है। मैंने कहा भी कि बोला है, कोई मेरे को मानने को तैयार नहीं, और उसकी आकृति में कोई फर्क नहीं। आपको बताएं ना मुस्कराए ना कुछ बोले, हमने कहा बड़ा गंभीर आदमी, अभी मेरे से तो बोला था। तो हमको लगा कि सचमुच में, और बोलकर हंस करके कहा तुम बोलते हो तुम ही फंसे रहो, तो हमको नहीं बोलना है। अब देखो ये बोलने से भी फंसना हुआ, तो जहां अपनी योग्यता दिखाई जाती व्यक्ति वहीं फंसता है। ये बुद्धू लोग नहीं फंसते हैं, विद्वान फंसते हैं, कार्य कुशल लोग फंसते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति नहीं, महाराज बुद्धू नहीं फंसता, बुद्धिमान फंस जाता है। हमको एक महात्मा ने बहुत बढ़िया बात बताई, बोले गंगा में डूबता कौन है, तैरने वाला डूबता है, क्योंकि जिसको तैरना आता नहीं वो बेचारा घुसता ही नहीं है, वो दूर से ही लोटे से नहा लेता है, और जिसको तैरना आता उसको लगता है मैं तो अभी पार कर जाता हूँ, और उसी में डूबता है। ये संसार में भी यही खेल है, जो ज्यादा अपने को कुशल समझता है वही संसार में फंस जाता है। भगवान शंकर तो महाराज निकल गए, ब्रह्मा जी ने कह दिया बस बस सृष्टि मत बनाओ, तुम्हारी सृष्टि की जरूरत नहीं है। अब ब्रह्मा जी महाराज बड़ा चिंतन करने लगे, कैसे सृष्टि बने कैसे सृष्टि बने, मरीचि आदि की सृष्टि भी बनाई किंतु विस्तार नहीं हुआ उसका। अब विस्तार न हो तो चिंतन करने लगे, तो शरीर के दो भाग हो गए, एक भाग का नाम रखा मनु और एक भाग का नाम रखा शत्रुपा। ये तृतीय स्कंद में मुख्य रूप से तीन दंपत्ति हैं, प्रथम दंपत्ति हैं शत्रुपा और मनु, द्वितीय दंपत्ति हैं दिति, एक दंपत्ति उनके पति कश्यप, और तृतीय दंपत्ति जो हैं उसमें देहूति और करदम। तृतीय स्कंद में मुख्य रूप से तीन दंपत्तियों की कथा है, और तीनों दंपत्ति की कथा बड़ी अद्भुत है, और तीनों दंपत्ति की कथाएं तीन अलग अलग बातें कहती हैं।
तीनों का धरातल अलग है, तीनों की रुचियां अलग हैं और तीनों का परिणाम अलग है। इन तीनों पर विचार किया जाए तो तृतीय स्कंद खुल जाएगा। तृतीय स्कंद की धारणा कारण क्या है, ये सर्ग है, सर्जनम सर्गः। सृष्टि कैसी बनाना चाहते हो आप, मनु शत्रुपा की सृष्टि कि दिति कश्यप की सृष्टि, या नारायण विचार करने लायक बात है कि देहूति और कर्दम की सृष्टि, ये विसर्ग है सर्ग है, और सर्ग में तीनों की संतानें अलग अलग हैं। एक की असुर संतान है, एक की सुर संतान है, और एक के साक्षात भगवान संतान है। एक साक्षात भगवान आए तो ये जो दंपत्ति हैं मनु और शत्रुपा, ये दंपत्ति बड़े अद्भुत दंपत्ति हैं। इनको देख करके ब्रह्मा जी महाराज ने कहा सृष्टि बनाओ। सृष्टि की बात सुन करके मनु जी महाराज ने कहा कि महाराज आपकी आज्ञा सर्वमान्य है, किंतु अब सृष्टि संकल्प की नहीं मैथुन की होगी। मैथुन माने जिसमें मंथन हो, मैथुन माने मंथन, और मंथन से जो संतान उत्पन्न होगी वो मैथुनी संतान कहलाएगी। उस संतान के लिए पृथ्वी चाहिए, उस समय पृथ्वी नहीं थी, पृथ्वी समुद्र में डूबी हुई थी। अब समुद्र से पृथ्वी लाने का कैसे क्रम किया जाए, तो हमारे श्री ब्रह्मा जी महाराज चिंतन करने लगे, तो चिंतन में उनको छींक आ गई, और छींक आई तो अंगुष्ठ के बराबर एक वाराह सूकर महाराज जो प्रकट हुआ, देखते देखते विराट हो गया। देखते देखते, अभी मैं सुन रहा था अपने आराध्य गुरुदेव को कुछ दिन पहले, तो उन्होंने इतनी बढ़िया बात की मैं तो रो पड़ा। उन्होंने कहा कि मैंने जब से सुध संभाली है तो एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे सामने सूअर आया हो और मुझे शुक्रावतार के दर्शन न हुए हो। बोले जब हम सूकर को देखते हैं तो तुरंत वो जोड़ लेते थे हाथ, शुकर को कहीं देखे तो हाथ जोड़ते थे। कहा जब मैं शुकर को देखता हूं तो मैं साक्षात भगवान का दर्शन होने लगता है, और जब मैं बंदर को देखता हूं तो हनुमान के दर्शन होने लगते। कितनी अच्छी वृत्ति रही होगी, बंदर को देखकर भगवान का दर्शन, हनुमान का दर्शन होने लगे, और शुकर को देख करके भगवान का दर्शन होने लगे। कैसी वृत्ति अद्भुत रही होगी। आप दर्शन कीजिए, एक शुकर के रूप में उत्पन्न हुए और विराट बन गए, विशाल शरीर, समुद्र में डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके अपनी डाढ़ों में पृथ्वी को संभाला। ये गोल पृथ्वी कंदुक के समान, उसका बैलेंस बनाया और लेकर जब ऊपर आने लगे तब तक नारद जी महाराज ने जाकर के हिरण्याक्ष को कहा कि तुम्हारी पृथ्वी को कोई चुरा कर ले जा रहा है। ये नारद जी महाराज भी बड़े विलक्षण महापुरुष हैं, ये स्वयं शांति से बैठते नहीं, दूसरों को शांति से रहने नहीं देते कहीं ना कहीं। किंतु याद रखना नारद जी महाराज भगवदा अवतार हैं, नारद वही लीला करते हैं जिस लीला को लोग सुन करके गा करके जीवन का उद्धार कर दे। कितने पुराण ऐसे हैं, मैं कई बार गदगद होता हूं, ये भागवत पुराण का प्राकट्य नारद जी की कृपा से हुआ। अगर नारद जी कृपा नहीं करते तो भागवत हम लोगों को नहीं मिलता। केवल ये वेदव्यास जी को सुना करके नहीं, कौशिकी संगीता में वर्णन है कि जाकर के इन्होंने महाराज ऐसी भूमिका बनाई भगवती के सामने, मां मां जगदम्बा उमा के सामने, कि तुम्हारे पति तुमको प्रेम नहीं करते, ये झगड़ा लगाकर भी भगवान की कथा प्रकट कर दे। भगवती ने कहा कमाल की बात करते हो, हमारे पति तो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि ध्यान में भी भगवान का दर्शन होता है तो हमको बता देते। नारद जी ने कहा अच्छा ये सब बताते हैं तो फिर ये भी बताया होगा कि मुंडों की माला क्यों पहनते हैं। बोले सो तो नहीं बताया, ऐसे झगड़ा लगाया जाता है, सो तो नहीं बताया। कहा पूछ लेना। महाराज को भवन में भेज दिया, और जब भगवान शंकर मनाने के लिए गए, एक बात है घरवाली हो तो मनाना तो पड़ता ही है, मनाना पड़ता है कि नहीं लक्कड़ जी, उधर काहे को देखते हो, हमारी तरफ देखो ना, उधर देखते तबला वाले की तरफ मत देखो, मेरी तरफ देखा करो, भले घरवाली को ना देखो, हमारे अमरे को देख लिया करो।
अच्छा मजबूरी है कह रहे तो महाराज मनाना तो पड़ता है, भगवान शंकर को मनाना पड़ा, आप किस खेत की मूली है। भगवान शंकर ने मनाया और कहा कि क्या बात है, बोले तुम हमसे प्रेम नहीं करते। भगवान शंकर बोले बहुत प्रेम करता हूँ, क्या प्रमाण है प्रेम का। बोले तुम्हारे ही मुंडों की माला पहनता हूँ। बोले मेरे मुंड और तुम्हारे माले में कैसे। बोले बात यह है कि जितनी बार तुम मरती हो ना उतनी बार तुम्हारे महाराज मुंड हम माले में लगा लेते हैं। भगवती तो फिर तो और रूठ गई, बोले नंबर वन के बेवफा निकले। क्यों, बोले मैं इतनी बार मर गई और तुम एक बार भी नहीं मरे। लोगों को महाराज बड़ा आश्चर्य लगता है, उनको लगता है हमारे सर में दर्द हो तो प्रेमी के भी सर में दर्द होना चाहिए। अगर दर्द तुमको तो हमारी कोई परवाह ही नहीं है, तुमको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, हम चाहे मर जाएं, ऐसे बोलती कि नहीं माता, तुमको कोई परवाह नहीं, हम चाहे मर जाएं। तो भगवती ने कहा तुम तो नंबर वन के बेवफा निकले, अगर आप हमसे प्रेम करते होते तो हम मरी तो कम से कम तुम एक बार तो मरते। बोले कि हमको अमर विद्या आती है, मरना चाहते हैं तब भी नहीं मरते। तो बोले वो अमर विद्या हमको क्यों नहीं दी, और जिद कर ली, उसी से भागवत का प्राकट्य हुआ। तो नारद जी महाराज जो कौतुक करते हैं उस कौतुक से भगवत लीलाएं प्रकट होती हैं, भगवत कथाएं प्रकट होती हैं। लीला काल में लोग लीला का दर्शन करके तर जाते हैं, और लीला काल नहीं होता है तो लीला को गा के तर जाते हैं। हम लोग लीला गा गा के तर रहे हैं, अगर वो लीला न हुई होती तो हम गाते कैसे और तरते कैसे। आप जरा विचार करो तो, मैं तो कई बार सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके कहता हूँ कि हे सुखदेव भगवान, यदि तुमने कथा न की होती तो हमारी तो रोटी बिल्कुल नहीं चलती, तुम्हारी कथा की वजह से हमको रोटी मिल रही है, कपड़े मिल रहे हैं, रहने का स्थान मिल रहा है, सब जगह मिलता है भागवत की कृपा की वजह से। तो सच में लीला करते इसलिए कि गा गा करके लोग तर जाए। तो आग लगा दी, आकर हिरण्याक्ष ने भगवान को गाली दी और कहा वो जंगली सुअर तो हमारी पृथ्वी को लेकर जा रहे हो, चोर कहीं के, बहुत गालियां दी, किंतु भगवान ने किसी भी गाली का उत्तर नहीं दिया। देखो जब काम बिगाड़ना होता है तो क्रोध दिलाया जाता है, ध्यान रखना, जब क्रोध आ जाता है तो हमारी शक्ति कम हो जाती है, काम बिगड़ जाता है। ये वकील लोग ऐसे ही करते हैं, सामने वाले को ऐसे उकसाते हैं, और जब महाराज उसका बैलेंस बिगड़ जाता है तो जो नहीं बोलने वाला हो बोल जाता है। हमको, हमने कुछ दिन पहलवानी की है कई वर्ष तक, तो जब पहलवानी की तो हमारे जो गुरु थे जो सिखाते थे कुश्ती हमको, उन्होंने एक दिन सिखाया कि जब पहलवान अपने से जबरदस्त हो और कुश्ती में जीत ना पाए तो उल्टे दांव मारो तो पहलवान को क्रोध आ जाएगा, और जब गुस्सा आ जाएगा तो उसको दांव मारना भूल जाएगा, क्योंकि जैसे गुस्सा आता है तो दांव मारना या दांव काटना भूल जाएगा, दोनों चीजें होती है। पहलवानी में युक्ति से मुक्ति होती है, बल से जीत नहीं होती है। आप जो मारे दांव मारे जाते हैं, एक तो दांव को मारना है, दूसरा काटना है। अगर हम दांव मारें सामने वाला काट ना पाए तो हार जाएगा, और वो काट दिया तो कई बार हमारा दांव ही हमारे ऊपर उल्टा पड़ जाता है, वही हमको परास्त कर देता है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जब दांव न चल रहे हों, बलशाली ज्यादा हो तो क्रोध दिला देना चाहिए, और क्रोध दिलाने के बाद फिर वो हार जाएगा, बड़ा से बड़ा पहलवान। तो जिसको धैर्य बना रहता है कभी भी कहीं भी किसी भी दिशा में जीतना हो तो ध्यान रखना धैर्य जरूरी है, अपने बुद्धि का बैलेंस न बिगड़े, सामने वाला कुछ भी कहता रहे आप सह सको उसको। हमने देखा है समाज में वही लोग जीतते हैं जिन्हें सहना आता है, मुस्कराना आता है, थोड़ी थोड़ी बातों में उद्विग्न हो गए, गुस्सा करने लगे, फिर वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो बीच में ही छूट जाता है। तो भगवान को बहुत गालियां दी किंतु भगवान ने कुछ नहीं बोला, और बोलने मना न बोलने के बाद जब पृथ्वी को स्थापित कर दिया, लौट करके आकर के कहा कि तुम ठीक कह रहे थे कि मैं जंगली सुअर हूं, किंतु युष्मद ग्राम सिंघान, तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को हम खोजते रहते। एक बात कहें, भगवान भी गाली तो खूब देते हैं, गाली देना भगवान को भी आता है। एक बार हमने गीता में गाली खोजी थी,
कि भगवान ने कितनी गालियां दी हैं। एक माला बनाया था गाली का, एक संत को दिखाया तो संत हंसने लगे। उन्होंने कहा कि अगर इतनी बुद्धि दूसरे में लगाते तो ठीक था। तो हमने कहा बस ऐसे बैठे बैठे सोचने लगे कहाँ कहाँ गाली है। भगवान को गाली देना आता है, किंतु भगवान ऐसे गाली देते हैं कि सामने वाले को गाली गाली लगती ही नहीं है, नहीं लगती है। गाली ऐसे ढंग से दिया जाए। अब ये ग्राम सिंह जो था, गाली थी, ग्राम सिंह माने होता गांव का कुत्ता, गांव का कुत्ता, तुम्हारे जैसे कुत्तों को खोजता रहता हूं। भगवान कह तो ये रहे थे, किंतु महाराज ग्राम सिंह कहकर के प्रयोग किया। बाद में ललकार लगाई, युद्ध हुआ, और उस युद्ध में भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। ऋषियों ने यज्ञ रूप में 12 भगवान की स्तुति की, जितम जितम ते जित यज्ञ भावन, ये यज्ञ स्वरूप हैं। कारण क्या है इसमें, यज्ञ स्वरूप कौन सा यज्ञ हुआ, कौन सी आहुति हुई, आप जरा विचार कीजिएगा। यज्ञ में एक यज्ञ कुंड होता है और उसमें समिधा होती है, अग्नि होती है, फिर आहुति डाली जाती हैं। और ये यज्ञ कौन सा है, ये स्वयं देखो, ध्यान रखना। गालियों की महाराज बौछार की गई, किंतु उसके बाद भी भगवान का धैर्य नहीं टूटा, धैर्य नहीं टूटा। हम लोग भी सीखने लायक है बात कि हम भगवान के अंश हैं, हमारे ऋषि पूर्वज हैं, तो हमारा धैर्य कैसा होना चाहिए, कैसा ऋषियों जैसा धैर्य हो। हम तो कई बार समाज में कई चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, कई जगह अपमान भी होता है, तो तुरंत हमको ध्यान आ जाता है कि ऐसी स्थिति में हमारे गुरुजन क्या करते थे। और जो स्थिति कर महाराज उनका ध्यान करें तो सब रफूचक्कर हो जाता है, उसमें कुछ ध्यान नहीं रहता, फिर जवाब देने का भी मन नहीं होता और कुछ कहने का मन नहीं होता। तो हमारे आदर्श हमारे गुरुजन होने चाहिए, हमारे आदर्श हमारे पूर्वज होने चाहिए। हमारा आदर्श कोई रावण नहीं है, कुंभकर्ण नहीं है, दुष्ट नहीं है, हमारे आदर्श तो हमारे ऋषिगण हैं। इसलिए ध्यान देने की बात इसमें यही है, पृथ्वी मिल जाने के बाद मनु जी महाराज के 5 संतानें हुई, आकूति, देवहूति और प्रसूति, 3 तो बेटियां हैं और 2 पुत्र हैं। एक पुत्र का नाम प्रियव्रत है और एक पुत्र का नाम उत्तानपाद है। इसमें से जो मध्य वाली बेटी है जिसका नाम देवहूति है, उस देवहूति का विवाह महात्मा कर्दम के साथ हुआ। जब ये बात महात्मा मैत्रेय ने सुनाई तो विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया कि ये ब्याह कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, आप कृपा करके बताओ। तब बताया कि भगवान की छाया से उत्पन्न हुए थे कर्दम। कर्दम शब्द का जरा विचार करना, कर माने होता है हाथ और दम माने इंद्रिय संयम। वैसे तो बीच में कई अध्याय इसमें अभी ऐसे हैं, क्योंकि इसकी जब कथा पूछी गई तो महाराज ये कैसे पृथ्वी मिल जाने के बाद जो घटना घटी, उसके बाद महात्मा मैत्रेय ने विदुर को कई रसीली बातें भी सुनाई हैं। और ये दिति की चर्चा पहले आई, बाद में इनकी चर्चा आई, वो कैसे इनकी दिति की चर्चा आई, इन्होंने बताया कि एक बार महात्मा कर्दम, महात्मा महाराज कश्यप यज्ञशाला में बैठे हुए थे और दिति आ गई। क्योंकि 3 माताओं की चर्चा है, आपको समझिएगा, पहले श्रद्धा और मनु जी महाराज की चर्चा हुई, अब ये दिति की चर्चा। मध्य में जो दिति की चर्चा है, यहाँ वर्णन किया कि वो यज्ञशाला में संध्या के समय आई और उसने कहा कि मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ और धर्मपत्नी को पति से पुत्र प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है, इसलिए हमको आप पुत्र का दान करो। वैसे तो अन्य पुराणों में ये वर्णन है कि दिति ने अपने पिता से कह करके जबरदस्ती महात्मा के साथ विवाह किया था,
इसका विवाह मनमानी ढंग का था, दबाव का विवाह था दिति का, ऐसे नहीं शास्त्रीय विधा से नहीं, दबाव से जबरदस्ती विवाह कराया था। किंतु गुण संपन्न थी, तपस्विनी तो थी ही, सुंदर भी थी। ऋषि ने कहा कि संध्या के समय चार काम कभी नहीं करने चाहिए। देखो भाई, ध्यान रखना कौन सा स्थान है, स्थान का ध्यान रखो, काल का ध्यान रखो, कौन सा काल है, कौन सा स्थान है और कौन सा व्यक्ति है, किसके साथ कौन सा काम करना है, इसका पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। अरे नारायण, सामान्य किसान भी जब बीज बपन करता है तो वो भी स्थान का ध्यान कर लेता है कि इसमें धान पैदा होगा कि नहीं होगा, इसमें गेहूं पैदा होगा कि नहीं होगा, ये स्थान का ध्यान किया उसने। काल का भी ध्यान करता है, जून के महीने में जहाँ बहुत गर्मी पड़ रही हो वहाँ धान बोया जाए तो क्या धान की फसल मिलेगी। काल का ध्यान किया, स्थान का ध्यान किया, काल का ध्यान किया। ऋषि ने कहा कि एक तो स्थान ठीक नहीं है, ये यज्ञशाला है, यज्ञशाला में संतानोत्पत्ति नहीं होती है, स्थान बहुत ध्यान रखना चाहिए स्थान का। अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं मृगचर्म जो है, मृगचर्म उसमें ध्यान करने से तो आपकी गति बढ़ जाएगी, किंतु मृगचर्म में बैठ करके भोजन करने से आपका पतन हो जाएगा। मृगचर्म पवित्र है, ध्यान के लिए पवित्र है, भोजन के लिए पवित्र नहीं है। तो यज्ञशाला भगवत प्राप्ति के लिए तो पवित्र है, यज्ञशाला में आप यज्ञ करो, देवताओं का अर्चन करो तो पवित्र है, किंतु यदि पितरों का अर्चन करने लगो, आप उसमें संतानोत्पत्ति करने लगो तो वह आपका पतन कर देगा। स्थान वही है, कौन से स्थान पर कौन सा काम करना है ये ध्यान रखना चाहिए। तो स्थान पर जोर दिया और काल पर जोर दिया कि संध्या के समय चार काम नहीं करने चाहिए, आहारम, मैथुनम, निद्राम, स्वाध्यायम च चतुर्थकम। संध्या के समय कभी भोजन न करे, जब सूर्यास्त हो रहा हो उस समय संधि वेला में कभी भोजन न करें। दूसरा, अध्ययन न करें, अध्ययन भी उसमें निषिद्ध है, अध्ययन करने से बुद्धि कमजोर हो जाती है, और संध्या के समय भोजन करने से जठराग्नि कमजोर हो जाती है। ऐसे ही मैथुन न करें, संतान यदि गर्भ रह गया तो निश्चित रूप से दुष्ट संतान होगी। आहारम, मैथुनम, निद्राम और सोएं भी नहीं। आजकल जो सबसे बड़ी विडंबना है बच्चों की, शायद आपके यहाँ ना हो, इनको 12 एक बजे तक जगा लो, 2 बजे तक जगा लो, किंतु सुबह उठने के लिए बिल्कुल मत कहो। आजकल जो बच्चों को सुबह उठाने लगे वो सबसे बड़ा दुश्मन उनका, उठने नहीं चाहते, और यही कारण है इसके पीछे कि छोटी आयु से ही गोलियाँ लग जाती हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आज गोलियाँ खा रहे, बिना दवा के जीवित नहीं रह पा रहा है, स्वस्थ रहोगे ही नहीं, आप समय से सोगे नहीं, समय से जगोगे नहीं तो कभी भी स्वस्थ रह नहीं सकते हो। आजकल बच्चे समय से खाते भी नहीं। अब महाराज, इतना खतरनाक मामला है, सूर्य वैसे जो जैन की परंपरा थी भोजन की कि सूर्यास्त से पहले भोजन कर लो, जैन लोग बहुत वैज्ञानिक है, हम उसका प्रयोग करके देखें। आपको बताएं, यदि 6 बजे तक भोजन हो जाए, 7 बजे सूर्यास्त हो रहा हो तो इतनी बढ़िया नींद आती है, इतना बढ़िया स्वाध्याय होता है, इतना बढ़िया भजन होता है, कुछ पूछो नहीं। और किसी कारण से ये 9 बज जाए, 10 बज जाए भोजन करने में, तो रात्रि चौपट, न फिर सुबह जल्दी भजन होगा, न सुबह सच्ची ध्यान लगेगा, सारी क्रिया चौपट। इसलिए भोजन का भी ध्यान रखें, भोजन का भी समय रखें। बहुत समझाया किंतु वो कुछ समझ नहीं पाई, क्योंकि कामातुराणाम भयम न लज्जा। जब चित्त काम से आतुर होता है तो भय और लज्जा का अपहरण हो जाता है। लोभातुराणाम गुरुर न बंधो। जिसका चित्त लोभ से आतुर हो जाता है वो अपने भाई को भी नहीं छोड़ता, अपने पिता को भी न छोड़े, अपने गुरु को भी न छोड़े। जी, गुरु का भी धन खा जाए, क्योंकि लोभ से चित्त उसका आतुर हो गया हो तो खत्म हो गया है, उसका संयम चला गया।
इस देवी ने बहुत जिद की, हमारे महाराज जी तो कहते हैं निर्लज्जता से आंचल पकड़ लिया कि हमको चाहिए ही चाहिए। हमारे महाराज जी ने एक बड़ी बढ़िया बात कही कि ऋषि लोग, बड़े लोग जो होते हैं वो जिद्दी नहीं होते हैं कि जो मैंने कहा है वही करो। वो अपनी बात तो रखते हैं, शास्त्र की बात रखते हैं कि देखो भाई ये हानि है ये लाभ है, इसको तुम समझ लो, और नहीं समझते हैं तो फिर जिद्दी राम नहीं बनते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही करो। आपने कह दिया, माने तो अच्छा न माने तो अच्छा, मानेंगे तो उन्हीं का कल्याण है, जो आपकी आज्ञा माने शास्त्र की आज्ञा माने उसका कल्याण, और जिसको कुएं में गिरना है तो फिर गिरने दो, क्या करोगे, आपने अपना तो काम बना लिया, नहीं समझ पाए तो वो जाने उनका काम जाने। गर्भाधान किया और गर्भाधान करने के बाद नारायण संयोग ये बना कि वो गर्भवती तो हो गई। ऋषि आकर स्नान करके यज्ञशाला में आए, किंतु उसको पश्चाताप हुआ। समाज में सुधार उसी व्यक्ति का हो पाता है जिसको अपनी गलती का पश्चाताप होता है। अगर पश्चाताप नहीं होगा तो सुधार नहीं होगा। पश्चाताप सुधार का मुख्य साधन है। पीड़ा हो हमको कि गलती हुई, आकर रोने लगी कि मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई और अपराध हो गया भगवान शंकर का भी। जब पश्चाताप देखा तो ऋषि ने कहा कि तुम्हारे बालक तो असुर ही होंगे, किंतु पश्चाताप किया है तो बालक का बालक भागवत होगा, बालक का बालक भागवत होगा। ये पश्चाताप का प्रतिफल है, क्योंकि मैत्रेय महात्मा से विदुर जी महाराज ने पूछा था कि जब पृथ्वी नहीं तो ये असुर कहाँ से आ गया, असुर है कौन, उसकी भूमिका में ये बात सुनाई जा रही है कि असुर कहाँ से पैदा हुए। तो महाराज ये दिति के गर्भ में ये संयम न रखने के कारण, पति की आज्ञा न मानने के कारण, स्थान का ध्यान न रखने के कारण ये महाराज इसके गर्भ में असुर आ गए। इसने 100 वर्ष तक प्रसव नहीं किया कि बच्चे बाहर जाएंगे तो अत्याचार दुराचार पापाचार करेंगे, गर्भ में शांति से रहें, किंतु गर्भ में रह करके ही देवताओं को सताने लगे। तो देवताओं ने जब प्रार्थना की तब पता चला कि इनके जो गर्भ में असुर हैं वो भगवान के पार्षद हैं। पूछा ये पार्षद कैसे हैं, ये क्या बात हुई, तो बताया कि एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये भगवान के दर्शन करने के लिए बैकुंठ में गए थे। वैसे बैकुंठ नहीं है, ये रमा बैकुंठ है, ये रमा बैकुंठ है, क्योंकि बैकुंठ में क्रोध नहीं आता है, ये रमा का द्वारा बनाया हुआ बैकुंठ। उस बैकुंठ में दर्शन करने के लिए गए थे, किंतु जय विजय ने रोक लगा दी। जब जय विजय ने रोक लगा दी तो भगवत इच्छा के कारण संतों को क्रोध आ गया। अच्छा एक बात कहें, ये भगवान बड़े चतुर हैं, जो काम करवाना होता ना गलत से गलत काम वो साधुओं से करवा लेते, अपने तो साफ सुथरे बने रहते हैं और साधुओं को निमित्त बना देते हैं कि तुम महाराज हमारा काम करो, और साधु भी ऐसे हैं कि जिसमें तुम्हारी खुशी वो हम करने के लिए तैयार हैं। हमारे महाराज जी सुनाते थे कि एक बार एक नाव में कुछ लोग बैठकर यात्रा कर रहे थे, नाव में छिद्र हो गया, पानी भरने लगा, तो लोग अपना चुल्लू भर भर करके नाव से पानी निकालने लगे। उसमें एक संत बैठे थे, पहले हमारे संत लोग कमंडल साथ में रखते थे, बिना कमंडल के साधु चले नहीं, क्योंकि वह अपने जीविका का भी साधन, भोजन भी, पानी का सब जगह रखने का स्थान साधन, तो कमंडल था, उस कमंडल से भर भर के संत नाव में पानी डालें। अब लोग तो चुल्लू से पानी बाहर निकालें और नाव में डालें, लोगों के रोकने के बाद भी वो माने नहीं, किंतु जब नाव तट पर पहुंच गई, लोग उतरने लगे, तब संत नाव से भरकर पानी बाहर डालने लगे। लोगों ने कहा बाबा पागल है क्या, जब नाव डूब रही थी तब तू पानी भर रहा था, अब बच गई तो निकाल रहा है। संत ने हंस के कहा कि मैं तेरा गुलाम नहीं अपने मालिक का गुलाम हूं। क्या मतलब, बोले मुझे लगा कि मेरा ठाकुर नाव को डुबाना चाह रहा है तो उसका सहयोग कर रहा था, और अब लगा कि बचाना चाह रहे हैं तो उसका सहयोग कर रहा हूं। तो संत तो यह है कि भगवान की जो इच्छा हो उसमें वो बुद्धि नहीं लगाते,
कि महाराज इसमें क्या होगा, मंगल होगा कि अमंगल होगा, वो जाने भगवान, हमको तो आज्ञा पालन करना है। तो संतों को लगा कि भगवान की इच्छा है कि जय विजय को दरवाजे से हटाना है। अब भगवान श्रीमान जी तो हटा नहीं सकते थे। हमारे महाराज जी सुनाते थे कि एक बार लक्ष्मी जी कहीं शॉपिंग करने गई थी, आने में देरी हो गई और जब आई तो भगवान गहरी नींद में सो रहे थे। तो घर में जाने लगी तो सेवकों को लगा कि आई है, इनको तो अपने पति की परवाह है नहीं, घूमती रहती हैं जहाँ देखो वहाँ, अभी सामान पटकेंगी, शोर मचाएंगी, प्रभु की नींद खराब हो जाएगी। तो जय विजय ने कहा कि देवी जी, माता जी, आप बाहर बैठो, जब प्रभु की नींद खुलेगी तब अंदर जाने दूंगा। बहुत कुछ फड़फड़ाई किंतु सेवक जाने नहीं दिए, नहीं जाने दिए। जब भगवान की नींद खुली तब जाने दिया। तो लक्ष्मी जी महाराज पैर पटकती हुई गई, नारायण को बहुत खरी खोटी सुनाई और कहा तुमने ऐसे नौकर रख लिए हैं कि हमारी सुनते ही नहीं। और सच में एक बात कहें, जो मालिक नौकरों को अपने सर पर चढ़ा देता वो मालकिन की फिर सुनते नहीं है। अगर मालकिन कहेगी ड्राइवर को गाड़ी लेकर आना, बाबूजी से कह देना तुम्हारी नहीं सुनने वाला हूँ, सर पर चढ़े तो कैसे मालकिन की बात माने। बोले अभी निकालो इनको, अगर नहीं निकालोगी तो मैं कुब भवन में चली जाऊंगी। भगवान ने हंस करके कहा देवी जी तुमको निकाल, इन तुम्हारे कहने पर इनको निकालूंगा ना तो लोग कहेंगे जोरू का गुलाम है, अपनी घरवाली के कहने पर निकाल देता है। अभी चिंता मत करो, कुछ दिन के बाद ये संतों का अपराध करेंगे और जब संतों का अपराध करेंगे तो इनको निकालूंगा तो लोग कहेंगे संतों को कितना मानते हैं। ये भगवान महाराज एक एक तीर से कई निशाने साधते हैं, एक तीर से कई निशाने। बोले संत लोग बड़े खुश हो जाएंगे, बड़ा यश गाएंगे कि देखो हमको बहुत मानते हैं और काम तुम्हारा कर दूंगा, निकालूंगा तो सही इनको। एक जगह ये भी वर्णन है कि महाराज भगवान की बड़ी भरी भरी भुजाएं, वो अजान बाहु, बड़े बड़े हाथ और भुजाएं भी बड़ी एकदम फिट रहते भगवान। तो जब चलते थे ये सेवक पीछे पीछे चले तो भुजाओं को देखकर इन सेवकों को लगता था कि ये केवल फूडी है कि इनमें दम भी है, एक बार देखना चाहते हैं इनमें बल है कि नहीं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम इन भुजाओं के साथ युद्ध करूंगा तुम्हारे साथ, किंतु अभी स्वामी सेवक का युद्ध ठीक नहीं है, जब तुम हिरण्याक्ष बनकर आओगे तब गदा का प्रहार दिखाऊंगा कि कैसे, जब हिरण्यकश्यप बन के आओगे तब दिखाऊंगा गदा का प्रहार, जब रावण बन करके आओगे तब बताऊंगा, क्योंकि ऐसे तो दिखा नहीं सकता, तुम सेवक हो हमारे, सेवक स्वामी का युद्ध। तो सेवकों का भी मन था कि भगवान की भुजाओं का बल देखूं, तो सेवक का मन, लक्ष्मी का मन और भगवान का मन, इन तीनों का मन था। तो संतों का मन हो गया, संतों ने तुरंत कहा कि अरे कुलांगारो, तुम हमको रोकते हो भगवत दर्शन में, जाओ तीन जन्म तक असुर बनो। जो कहा तीन जन्म तक असुर बनो तब तक भगवान आ गए। महाराज इतने पॉलिसीवाज है मैं आपको क्या कहूँ, ये गुरुजन भी इसी से सीखते हैं। कभी देखना दो चेला लड़ जाए ना और गुरुजी के पास जाए तो दोनों को गुरुजी पटा लेते, ऐसे दोनों को आश्वासन देते, दोनों को लगता सबसे ज्यादा हम ही से प्रेम करते, ब्रह्म में दोनों रहे वो प्रेम दोनों से नहीं करते, किंतु दोनों को प्रेम दिखाएं। इन संतों को महाराज कहा कि आपने ठीक किया है, और इतना ही नहीं ये तो हमारे सेवक हैं, छिंद्याम सबाहुमपि यः प्रतिकूल वृत्तिम, अगर हमारी भुजाएं भी प्रतिकूल चलन महाराज वर्तन करने लगे संतों के तो भुजाओं को काट कर फेंक दूंगा। संतों को तो ये कहा और सेवकों की तरफ मुस्करा कर बोले चिंता मत करो, तुम तीन बार आओगे तो मैं चार बार आऊंगा, तुम तीन बार आओगे तो मैं चार बार आऊंगा। उनको आश्वासन दे दिया और वही पहले जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। ये बताया हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों वृत्तियों को ध्यान रखना। ये तीन जन्म इसलिए कहा कि असुर व्यक्ति तीन दोषों के कारण बनता है, ध्यान रखना। लोभ व्यक्ति को असुर बनाता है, अमर्यादित काम व्यक्ति को असुर बनाता है और क्रोध व्यक्ति को असुर बनाता है। अगर आपके जीवन में क्रोध है तो आप असुरता की ओर बढ़ जाओगे,
अशास्त्री यदि काम है तो आप असुर बन जाओगे, और यदि आपके जीवन में लोभ की वृत्ति है, भोग की वृत्ति है, तो आप असुर बन जाओगे। हिरण्याक्ष का अर्थ होता है हिरण्य द्रव्ये अक्षणी यस्य, जिसकी आंखें केवल सोने में लगी रहे, संपत्ति में लगी रहे, सारा व्यापार सारा व्यवहार उसका इसीलिए हो कि इसमें कितना घाटा होगा कितना फायदा होगा। लोगों की जब वृत्ति धन में लगी रहती है तो आज नहीं तो कल वह असुरता की ओर बढ़ जाता है। और हिरण कश्यप माने होता है, हिरण्य माने तो सोना है, कश्यप माने सैया विश्राम स्थले वा। आजकल हमको किसी ने बताया, पता नहीं सच्ची बात है कि झूठी, लक्कड़ जी कहा कि सबसे पैसा मकान में ज्यादा खर्चा पता है कहाँ होता है? एक तो रसोई घर में और दूसरा बाथरूम में। हे भगवान, बाथरूम में कितने घंटे रहना है, सबसे ज्यादा खर्चा उसी में होता है, एक से एक महंगे यत्न। हमने तो महाराज कई जगह सेठों के यहां देखा कि वहां लाइब्रेरी बना रखी शौचालय में, और एक जगह हैदराबाद में देखा कि टीवी लगा रखा है और रिमोट कंट्रोल वहां है, टीवी बैठ के देखता है बाबरा, उसको कोई जगह नहीं मिली, पुस्तकें पढ़ता है वहां बाथरूम में, क्या मूर्खता की बात है, और वहां पेपर ले जाकर पढ़े। इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं मूर्खता है, जहां मलमूत्र रखा रहता है उसके कीटाणु हमारी सांस से अंदर आते हैं, हम रोगी बनेंगे। और वो कोई स्थान पढ़ने का है, वो कोई स्थान महाराज वो उसका है। और ये जो घरवालियों से डरते हैं ना लोग, वो मोबाइल में अपनी प्रेयसी से भी वहीं से बात करते हैं। हमको घरवालियों ने बताया कि हमारा पति एक मोबाइल रखता है वहां, और वहां चुपचाप बात कर लेता है प्रेयसी से। अरे बाबा, मूर्खता मत करो, अपने जीवन को व्यर्थ मत करो, अपने समय का सदुपयोग करो, कहाँ कौन सा काम करना है इसका तो विचार करो। तो जो केवल भोग की सामग्रियां इकट्ठा करता रहे, आज ऐसा बिस्तर चाहिए कल वैसा बिस्तर चाहिए, जहां जहां देखते हैं आज ऐसा पर्दा चाहिए, आज ऐसा ढंग चाहिए, आज ऐसा सोफा चाहिए, ये जो वृत्ति है सब हिरण्यकश्यप की वृत्ति है, और ये असुरता की ओर हमको आज, इसलिए लोग असुर बनते चले जा रहे हैं जी, है मनुष्य किंतु बने हुए असुर हैं। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की व्याख्या है। ये दोनों प्रथम जन्म में तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, इसमें मेन धन का है, लोभ की वृत्ति, और दूसरे रावण और कुंभकर्ण बने, इसमें काम की वृत्ति है, और शिशुपाल और दंतवक्र बने, इसमें द्वेष की वृत्ति है, क्रोध की वृत्ति है। तो यदि असुर बनने से बचना हो तो तीन पर अनुशासन रखना चाहिए हमारे जीवन पर, लोभ पर अनुशासन हो हमारे जीवन पर, काम पर अनुशासन हो हमारे जीवन पे, क्रोध पर अनुशासन हो। अगर ये तीन पर अनुशासन होगा तो आप निश्चित रूप से असुरता से बच जाएंगे। तो ये बीच में जो पूछा था प्रश्न, कैसे असुर आ गए, तो देखो पृथ्वी नहीं थी तब भी असुर थे, क्योंकि इनका रहने का स्थान दूसरा है। जैसे पृथ्वी न रहे तो स्वर्गलोक रह सकता है, पाताल लोक रह सकता है। अब देखो अगर पृथ्वी नष्ट हो जाए तो सूर्य लोक रहेगा कि नहीं, चंद्र लोक रह सकता है, ये नक्षत्र रह सकते हैं, तो उनके आधार पर। अच्छा, वहां के लोग कभी कभी घूमने के लिए निकलते हैं। अभी मैं रशिया की कहानी पढ़ रहा था एक मैगजीन में, आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, आज से करीब 15 साल पहले की घटना थी, मैंने कहा 10 साल तो हो गए होंगे मुझे पढ़े। एक बालिका 13 वर्ष की, और खेत किसान में काम कर रही थी, खेती का काम, 13 वर्ष की बालिका, और कोई उसने देखा कि कोई व्यक्ति आकाश से उतरा, आकाश से उतरा, और उसने उसका स्पर्श भी नहीं किया और उसको गर्भवती बना के चला गया। अब जब गर्भवती बना के चला गया, जब प्रसव काल हुआ, तो कहा इस बच्ची का ब्याह हुआ नहीं है, और तो ये बच्चा कैसे हो गया? तो हमारा देखा गया कि उसके किसी अंग में कोई दोष नहीं था, उसने कभी किसी पुरुष के साथ समागम किया ही नहीं था, उसके बाद भी गर्भवती हुई। तो उस बालिका से पूछा गया तो कहा आपने कोई ज्योति आते हुए देखा था, कोई प्रकाश पुंज, और उसके बाद शरीर में रोमांच हुआ और ये दशा हो गई। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ये घटनाएं
अब ये भारत की होती तो कह देते देवता उतरे, जैसे कुंती के साथ चर्चा हुई अमुक उतरे अमुक उतरे, किंतु ये अन्य लोक का व्यक्ति था जो पृथ्वी लोक का नहीं था। ऐसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये पृथ्वी लोक के नहीं थे, ये रसातल में इनका राज्य था, किंतु तब भी ये घूमते रहते थे और चारों तरफ इनका महाराज, जैसे कई बार आकाश से भी व्यक्ति घूमता रहता है प्रतिभा संपन्न आकाश में भी। अब देखो जो भारत का आकाश है, कभी विचार करना, अगर हमारा पाकिस्तान वहां से उड़ना चाहे तो उसको अनुमति लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। अभी हमारे प्रधानमंत्री को एक देश में जाना था तो उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि हमारे आकाश का प्रयोग कर सकते हो, किंतु उन्होंने नहीं किया कि हमको नहीं करना है। अभिप्राय क्या है कि देश हमारा भले नीचे है किंतु उस देश में जो आकाश है वो भी हमारा ही है, वो आकाश भी हमारा ही है, उस आकाश में भी हमारा अधिकार है हम मानते हैं। ऐसे ही जो रसातल में रहते थे उनको लगता था आकाश में कोई भी घटना घटे उस क्षेत्र में उस पर अधिकार हमारा है, और उससे कोई लेकर के यंत्र जा रहा है, कोई बड़ा सा पात्र लेकर जा रहा है, कितना विज्ञान सूक्ष्म होगा, उनको तुरंत पकड़ लिया और पकड़ कर कहा तुम चोर हो, हमारी सीमा से कैसे गुजर रहे हो। इसलिए महाराज उनके साथ युद्ध करना पड़ा था, इसलिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पूर्व कल्प के थे जो अभी भी महाराज उस काल में थे, जिसका उद्धार भगवान ने हिरण्याक्ष का वाराह रूप धारण करके किया। अब मनु जी महाराज को पृथ्वी मिली जिससे उन्होंने संतानों का सृजन किया है, जिससे आज हम लोगों को मनु की संतानों के रूप में देखा जाता है। इसकी चर्चा भी हम 5-10 मिनट के बाद करेंगे। आप लोग एक भजन का आनंद ले लीजिए और थोड़ा वजन कम करना हो तो कर लीजिए। तू है
नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा प्रेम से है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ
मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। सल भगवान की जय।
हमारे श्री विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव गुरुदेव राजर्षि परीक्षित को निमित्त बना करके हम सबके कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत की पावन पवित्र गाथा श्रवण करा रहे हैं। अभी हम सब श्रवण कर रहे थे मनु जी महाराज की एक बेटी का नाम है देवहूति। देवहूति शब्द का अर्थ है जो देवता को आहूत कर सकती है, बुलाने का सामर्थ्य रखती है। इनका विवाह महात्मा करदम के साथ हुआ। हमारे श्री विदुर जी महाराज के पूछे जाने पर महात्मा मैत्रेय ने यह विस्तार से कथा सुनाई है कि एक महात्मा करदम है। करदम शब्द का सीधा अर्थ साधा अर्थ है कर माने होता है हाथ और दम माने इंद्री संयम। जिनकी हाथ में इंद्रियां हो वो करदम है। आप जरा विचार करना कि हमारी इंद्रियां हाथ में हैं कि हम इंद्रियों के हाथ में हैं। अगर हमारी इंद्री चटोरापन बना करके हमको रोड रोड भटकाए तो हम इंद्रियों के हाथ में, हम न सुनना चाहें तब भी सुन लें, हम न देखना चाहें तब भी देख लें। कई लोग कहते महाराज बोलने का मन नहीं था किंतु बोल गया। इसका अभिप्राय यह है कि तुम इंद्रियों के गुलाम हो, इंद्रियां तुम्हारे वश में है ही नहीं। जाने का मन नहीं था मैं चला आया, कमाल की बात है। ये विषयी पामर व्यक्ति की पहचान है इस प्रकार की। और जो संयमी पुरुष है उस संयमी पुरुष का नाम ही करदम रखा गया। उनके पिता की आज्ञा थी कि तुम सृष्टि का सृजन करो, तो स्वाभाविक है सृष्टि के सृजन में सहयोगी स्त्री है, और स्त्री यदि न मिले तो सृष्टि का सृजन होगा नहीं। उन्होंने विचार किया कि स्त्री ऐसी मिले जो मुझे भगवान में लगाने वाली हो, हमें संसार में फंसाने वाली ना हो। इसलिए महाराज हजारों वर्ष तक तप किया। वैसे आजकल तो ये परंपरा जा रही नहीं, पहले तो थी कि हमारी बहनें लगभग विवाह के पहले पति प्राप्ति के लिए तप करती थी। राजस्थान में गणगौर रखते थे, कात्यायनी की आराधना थी। हमारी माँ जानकी ने भी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी, उन्होंने भी भगवती की आराधना की। उस काल में भी पुरुष को पत्नी प्राप्ति के आराधना में लगा हुआ नहीं देखा जाता था। शायद आजकल करते होंगे, आजकल देवियों ने तो महाराज बंद कर दिया, देवताओं ने चालू किया है। क्योंकि पहले ऐसा था, हमारे महाराज जी कई बार विनोद में कहते थे कि बहुत खराब हो उसमें से एक छाटना हो तो प्रयास करना पड़ता है, और सब अच्छे अच्छे हो तो कोई प्रयास की जरूरत नहीं। तो हमारी बहनें तो महाराज सब अच्छी थी इसलिए उनको छाटने की जरूरत नहीं थी, तो पुरुष नहीं आराधना करता था। स्त्रियों को छाटने की जरूरत होती थी कि हमारे अनुकूल वर मिले, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी आदि संपुट लगा करके भी पाठ की विधा है। इन्होंने तो भगवान की आराधना की। जब भगवान इनके सामने प्रकट हुए तो कहा कि मैं अपने अनुकूल पत्नी चाहता हूं। भगवान ने कहा कि आज के तीसरे दिन मनु जी महाराज अपनी लाडली बेटी को लेकर आएंगे, आप मना मत कर देना। तीसरे दिन सचमुच में मनु जी महाराज देवहूति को लेकर के आए। ये ऋषि पत्नी प्राप्ति के लिए तप कर रहे थे, ये कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं थे। ब्रह्मचारी थे किंतु नैष्ठिक नहीं। एक ब्रह्मचारी हुआ होता है जिससे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए गुरु सेवा में है अभी, किंतु जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है वो ब्रह्मचारी है किंतु अब उसको गृहस्थ में नहीं जाना।
उसे सन्यास में ही प्रवृत्त होना है। तो ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं थे, पत्नी प्राप्ति के लिए ही तप किए थे। मनु जी महाराज अपनी बेटी को लेकर के आए। मनु जी महाराज ने यहां कई बातें बहुत अच्छी रखी है। एक तो ये बताया कि सर्वांगीण अनुकूल है आपके, हमारी बेटी सुंदर है, सुशिक्षित है, शीलवान है और तुमसे प्रेम करती है। नारद जी महाराज से जब से आपका यश सुना तो इसने मन बना लिया था कि हम ऐसे ही तपस्वी पति का वरण करेंगे। और महाराज निश्चित रूप से जो बुद्धिमान व्यक्ति है सहज प्राप्त भोग का त्याग न करके उसका उपभोग कर लेता है, और आपको तो पत्नी की आवश्यकता है, आप इसको स्वीकार करो। इन्होंने महाराज, मैं कई बार बहुत बलिहार होता हूं, ये भी आकर्षित थे देवहूति के प्रति किंतु सत्य से विचलित नहीं हुए। इन्होंने कहा मुझे ब्याह तो करना है किंतु ब्याह की स्थिति में, गृहस्थ की स्थिति में तब तक रहूंगा जब तक संतान उत्पन्न न हो जाए। हम ब्याह भोग के लिए नहीं, योग के लिए कर रहे हैं। ब्याह का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है हमारा, ब्याह का उद्देश्य है संतति प्राप्त करना। और संतति प्राप्त करते ही पितृ ऋण से हम उऋण हो जाएंगे, और जब पितृ ऋण से उऋण हो जाएंगे तो फिर गृहस्थ आश्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ आश्रम में तभी तक रहना है कि जब तक पितृ ऋण है हमारे ऊपर। विद्या अध्ययन करके हम ऋषि ऋण से उऋण होते हैं, विद्या अध्ययन करके हम ऋषि ऋण से महाराज उद्धृत होते हैं, और संतान प्राप्त करके हम लोग पितृ ऋण से उऋण होते हैं। हमारे ऊपर ऋण है पितरों का, किंतु याद रखना जो गृहस्थ में जाते नहीं है क्या क्या वह ऋणी रह जाते हैं? वह ऋणी नहीं रहते हैं। हम तो कहते हैं जो गृहस्थ में नहीं जाते सीधे विरक्त में जाते हैं उनके ऋणी संतान संसारी लोग हो जाते हैं, क्योंकि वह तप में प्रयुक्त हो गए, वह साधन में प्रयुक्त हो गए हैं, वो भगवान का भजन करने लगे हैं, वो भगवान के हो गए हैं। और याद रखना जो भगवान का हो जाता है फिर उसको किसी ऋण को उतारने की आवश्यकता नहीं है। जब तक हम भगवान के नहीं हैं तब तक सबके ऋण उतारें, और जब हम ठाकुर के हो गए तो हमारे ऊपर फिर किसी का कोई ऋण ऋण नहीं है। तो इन्होंने कहा कि हम तो पितृ ऋण से उऋण हो जाएंगे, और उस समय हम वन में चले जाएंगे साधन भजन करने के लिए। देवहूति ने स्वीकार कर लिया। हमारे श्री मनु सतरूपा देवहूति का विवाह करके, कन्या दान करके, आजकल इस बात पर हम बहुत जोर देते हैं, आप लोगों से भी हमारी प्रार्थना है जिस वस्तु का दान दे दिया जाता है फिर उस पर अपना अधिकार नहीं होता है। अगर हमने दान दे दिया तो फिर हमारा कोई अधिकार नहीं। ये सेठ लोग बड़े चालाक होते हैं, आश्रमों में तीर्थों में कहीं कमरा बनवा दिए और दान दिए हैं किंतु सारे रिश्तेदारों को कहते हैं वो गंगोत्री जाना तो हमारा वहां एक कमरा बना हुआ है, मैं वहां फोन कर दूंगा। अरे मूर्खो, जब तुमने दान दे दिया तो तुम्हारा कमरा रहा कहां से? और यदि तुम्हारा कमरा है तो तुमने दान दिया नहीं, दोनों में निर्णय करना पड़ेगा। ऐसे ही जब हम कन्या का दान कर देते हैं तो फिर कन्या पर हमारा अधिकार नहीं रहता है, इसलिए कन्यादान शब्द का प्रयोग किया गया। कन्यादान करते हैं, और आज हम तो माताओं को बहुत प्रार्थना करते हैं, मानती तो नहीं है किंतु अगर एक आध भी मान जाए तो हमारा काम बन जाएगा। हमारा काम माने उनके घर में शांति आ जाएगी। बेटी का ब्याह कर देने के बाद माताजी उससे फोन में बहुत बात नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि रोज फोन में अटकी रहो। अच्छा एक बात हम आप लोगों से माताओं प्रश्न करते हैं, आपकी बहू यदि अपनी माँ के साथ दिन भर फोन में अटकी रहे तो आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता ना, लाग कर दो।
तो तुम्हारी बेटी भी किसी की बहू है भाई। जो व्यवहार तुम नहीं चाहते हो तो व्यवहार दूसरे के साथ क्यों करते हो? और जो बेटियां आजकल पति के घर में सेट नहीं हो पाती हैं, उसकी सबसे बड़ी अपराधनी उसकी मां है, दुश्मन है उसकी, वो परम दुश्मन है उसकी वो, क्योंकि उसको वहां सेट होने नहीं देती वो, क्योंकि दिन भर महाराज उसके लगी रहती है, तो कम से कम ये घर से ममता छूट पाती नहीं है, और यदि ममता नहीं छूटेगी तो दूसरे घर से ममता नहीं होगी। हमको हमारे गुरुदेव ने एक बात बड़ी अच्छी कही, एक गुरु भाई से हमारा मन नहीं मिलता था तो हमको उनकी क्रियाएं अच्छी नहीं लगती थी, तो हमारे गुरुदेव ने एक दिन कहा कि तुम इनसे प्रेम करने लगो। तो हमने कहा प्रेम ऐसे कैसे हो जाएगा? बोले प्रेम करने की विधा बताता हूं। उन्होंने कहा कि सुबह ध्यान में बैठा करो तो उनके मंगल की कामना किया करो, तो धीरे धीरे तुम्हारे चित्त में प्रेम आ जाएगा, और जिससे प्रेम हो जाता है फिर उसके दोष दर्शन नहीं होते। अगर हमारी बहनों को अपने पति के परिवार से प्रेम हो जाए तो फिर दोष दर्शन नहीं होगा। ये दोष दर्शन इसलिए होता है कि हमको प्रेम नहीं है। प्रेम में बहुत विशेषताएं हैं, हम तो कई बार अनुभव करते हैं प्रेम से सृष्टि बदल जाती है। अगर प्रेम नहीं है तो आपको बात अच्छी लगेगी नहीं, और प्रेम है तो वही बात आपको अच्छी लगेगी। तो संसार से प्रेम हटे, परिवार से प्रेम हटे, तब पति के परिवार से प्रेम हो पाए। और ये माताएं हटने देना नहीं चाहती, इनको लगता है, और ये मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन। और जिस परिस्थितियों में बेटी को ये देख करके दुखी होती है ना, रोती हैं, और कई बार बेटियों को वहां से छुड़ा देती हैं, किंतु वही परिस्थिति उनके घर में पैदा होती है जब उनकी बहू ननंद को डांटती है, बेटी को डांटती है कि तू अपने परिवार में आग लगा कर आई, मेरे परिवार को भी आग लगा रही है, ऐसे डांटती हैं महाराज भाभियां। उस समय ये कुछ नहीं बोलेगी, फिर हिम्मत भी नहीं है, दुखी होने के अलावा कोई तरीका नहीं है। जो प्रारब्ध में आपके दुख लिखा है उसको कोई मिटा नहीं सकेगा। जो गालियां तुम्हारे भाग्य में बदी हैं, दुश्मन नहीं देगा तो अपने बेटे गालियां देंगे, हमने अनुभव किया है, दूसरे गाली नहीं अपने बेटे गाली देंगे। तो कम से कम दुश्मन की गाली सह लो तो बेटों की गाली से बच जाओगे, अगर वहां की उपेक्षा सह लो तो अपने घर की उपेक्षा से बच जाओगे। इसलिए बहुत ध्यान देना चाहिए। माता पिता दान देकर के बेटी का चले गए, हमारे सुखदेव जी महाराज ने जो वर्णन किया है बेजोड़ है। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पति मिंगित को विदा, देवती को हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने, मैत्रेय महात्मा ने साध्वी शब्द का प्रयोग किया है, ये साध्वी है और पति के इशारे पर काम करती है। देखो ध्यान रखना, प्रथम नंबर का सेवक वह होता है जो इशारा समझता है, और द्वितीय नंबर का सेवक वो होता है जो कहने पर समझता है, और निकृष्ट सेवक वो होता है जो कहने पर भी न समझे। उत्तम सेवक तो होता है, हम तो कई बार सेवा पर बहुत बलिहार होते हैं, हृदय भर आता है, कई बार की ऐसी भी स्थिति होती है, हम कई बार देखते हैं कि हमारे ओंठ सूखने लगे तो सामने वाले को पता चल जाए सेवक को कि महाराज जी की ओंठ सूख रहे हैं, पानी चाहिए। हम तो गदगद होते हैं कि हमको पानी की आवश्यकता थी, इसको कैसे पता चल गया। तो सचमुच में ऐसी सेवक, इसलिए इंगित को विदा, इशारे को समझने वाली। नित्यम परिचरत प्रीत्या भवानी इव भवम प्रभुम, भगवान शंकर की जैसी सेवा भगवती भवानी करती हैं, वैसी ही सेवा देवहूति अपने पति की सेवा कर रही थी। विश्रम्भेण आत्मसौचेन गौरवेण दमेन च, पति के प्रति विश्वास था। देखो प्रेम के बाप का नाम विश्वास है, अगर आपको प्रीतम पर विश्वास नहीं तो ये प्रेम टिकेगा नहीं। प्रेम के बाप का नाम विश्वास है,
विश्रम्भेण हमको अपने आराध्य पर, अपने सेवक पर नहीं सेव्य पर विश्वास होना चाहिए कि इनकी वाणी से हमारा कल्याण नहीं होगा, इनके व्यवहार से हमारा अकल्याण नहीं होगा। जब अपनी बुद्धि को अपना व्यवहार श्रेष्ठ मानते हैं तब लगता है कि इनको तो बुद्धि नहीं है, ये पता नहीं कब कहाँ क्या बोल देते हैं, इसलिए गड़बड़ी हमारी होगी। अरे नारायण, विश्वास से भरे रहो कि कभी भी आपका अमंगल नहीं होगा, अमंगल हो ही नहीं सकता है। इसलिए विश्रम्भेण और आत्मशौचेन, आत्मशौच का अभिप्राय है बाह्याभ्यंतर पवित्रता। सेवक को अपना अंतःकरण भी पवित्र रखना चाहिए और अपने वस्त्र भी पवित्र रखने चाहिए। अगर वस्त्र पवित्र नहीं रखता है, स्वच्छ नहीं रखता है, तो स्वामी उसकी सेवा लेने में संकोच होगा। अब जरा विचार करो, कोई सेवक अपने स्वामी के पैर दबाने जाए और कपड़ों से गंध आ रही हो, तो जितनी देर पैर दबाएगा उतनी देर गुरु जी को समाधि में रहना पड़ेगा, नाक बंद करनी पड़ेगी, प्राणायाम साधना पड़ेगा। तो वस्त्र स्वच्छ हो, वस्त्रों से गंध ना आए, हमारा शरीर स्वच्छ हो, ये भी ध्यान रखो। जो लोग शरीर का ध्यान न रखें तो शरीर से पसीना है, दुर्गंध है, तो अपने सेव्य की सेवा में क्या रहेगा वो। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च, गौरव का भाव और इंद्रियों में संयम। कई लोग महाराज हम देखते हैं, ये बहुत सावधानी की जरूरत है कि कैसे बोलना चाहिए। एक श्रीमान जी हमारे साथ जा रहे थे, सच्ची घटना है, लगभग 60 साल के रहे होंगे, तो चश्मा लगाते थे, चलने लगे तो चश्मा दिख नहीं रहा था, तो अपनी पत्नी को कहे, भाग्यवान पता नहीं कि चश्मा कहाँ रख दिया, दिखता नहीं है। पत्नी ने ढूंढ करके चश्मा दिया तो देखा क्या, सामने टेबल पर ही रखा था, तो दे दिखाती हुई बोली, अंधे हो, दिखता नहीं है, टेबल पर ही रखा है। तो जो खोज करके दिया ना, वो सारा व्यर्थ चला गया, क्योंकि वाणी पर संयम नहीं था, अंधा कह दिया। और मैं एक बात आप लोगों को निवेदन कर देना चाहता हूं, वाणी पर बहुत संयम होना चाहिए। हम देखते हैं, अपनी बात कह रहा हूं, कई बार कोई गाली देता रहे तो सह जाते हैं, और कई बार थोड़ी भी उपेक्षा होती तो अंतःकरण सह नहीं पाता। तो मैं तलाशता हूं कि कहीं ना कहीं मेरी कमजोरी हुई है कि सहन शक्ति हमारी कम हुई है। तो विचार करना चाहिए कि वाणी ऐसे न बोलो कि कभी कभी तो भारत, कई लोग तो सह जाते, कभी वही बात चुभ जाती है। तो जो मुंहफट लोग होते हैं वो तो आपके सामने आपको गाली दे करके उऋण हो जाएंगे, किंतु जो सहृदय व्यक्ति होगा वो गाली तो नहीं देगा किंतु वो बाण का काम करेगी, और बहुत देर तक उसकी पीड़ा होती। और बाद में क्या होता है, सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या होती है, ये सबसे बड़ी हानि अपनी हानि बता रहा हूं। सामने वाले ने कोई गाली दी, उससे उसको अपने में हीन भाव हो जाता है, अरे मैं ऐसा हूं। अब वो हीन भाव से भरा तो सचमुच में ना भी होगा तो हो जाएगा, जो दुर्गुण उसमें नहीं था उस दुर्गुण को तुमने उसमें स्थापित कर दिया, और हानि किसकी हुई। जो दुर्गुण आप देखना नहीं चाहते थे वही दुर्गुण उसके जीवन में आ गया, वो हानि तुम्हारी हुई। इसलिए बोलते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए, बोलिए तो तब जब बोलने की रीति आवे। जरूरी नहीं कि सब बात बोलनी ही है, आजकल लोग बोलने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हमारे महर्षि कहते थे, एक बार संतों का सम्मेलन हो रहा था, एक बहुत बड़े विद्वान थे श्री भागवताचार्य जी, और अहमदाबाद में सभा थी, तो एक संत थोड़ा कड़वा बोलने लगे, तो वयोवृद्ध संत वो, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप अपने जेब में एक शहद की शीशी रखा करो, जब बोलना हो तो अपने जीभ में थोड़ा शहद लगा करके बोला करो, ये कड़वा ना बोला करो। आप जरा ध्यान रखना, विचार करना, कभी आपके शरीर में सबसे कोमल अंग कौन है, जीभ है सबसे कोमल। कारण क्या है, भगवान ने इसलिए इसको कोमल बनाया है कि कम से कम कोमल कोमल बोलो, कठोर मत बोलो। इसलिए इंद्रियों में संयम रखा जाए, बोलने में महाराज व्यवहार करने में इंद्रियों में संयम हो।
विश्रम्भेण आत्मसौचेन गौरवेण दमेन च। महाराज इतनी सेवा की उस देवी ने कि अपने शरीर की ही स्मृति नहीं रही, शरीर जर्जर हो गया। राजाधिराज श्री मनुजी महाराज की लाडली बेटी थी, इतने सुंदर केश पास थे महाराज, परम सुंदरी थी देवहूति। मैंने अन्य पुराणों में इनके सौंदर्य का वर्णन पढ़ा है, भागवत में भी संकेत है कि इनके सौंदर्य को देख करके गंधर्व अपने विमान से नीचे गिर गया था। अभिप्राय क्या है, मनुष्य से ज्यादा सुंदर गंधर्व होते हैं, तो गंधर्वों की गंधर्वियों से भी ज्यादा ये सुंदरी थी देवहूति, परम सुंदरी थी। और इसने अपने सौंदर्य का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और कारण क्या है कि जो माताएं ज्यादा अपने शरीर को सजाती रहती है ना, फिर उनसे सेवा नहीं होती है। सेवा और सजाना दोनों साथ नहीं चलते। अब देखो जो सूप नखा बन के बैठे उनसे तो आटा तो कभी नहीं लगेगा, न पात्र धुलेंगे, सूप नखा से नहीं हो सकता, टूट जाएंगे नाखून। और जो ज्यादा महाराज मेकअप करके दिन भर तैयार करके जो बैठी रहे लाली लगा करके और आंख में अंजन लगा करके, थोड़ा पसीना बहे तो सब बह जाएगा, तो गर्मी में काम नहीं कर सकती। तो जो अपने सौंदर्य को बहुत ज्यादा संवारने में लगता है, इसलिए ब्रह्मचारी को शरीर को सजाना मना है। ब्रह्मचारी व्यक्ति को शरीर के सौंदर्य में बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। मोटा कपड़ा पहने, मोटे ढंग से रहे, क्योंकि अपने चित्त में वासना ना आए और हमको देखकर दूसरे के चित्त में वासना ना आए, दोनों बातें हैं। हमारे महाराज जी सुनाते थे कि एक भारत में एक मारवाड़ी परिवार की एक बेटी विधवा हो गई थी। वो उस समय अंग्रेजों का जमाना था, तो उसके पिता किसी अंग्रेज के पास लेकर के गए उस परिवार में। तो अंग्रेजिन ने देख करके उसको कहा कि इस बेटी का तुम ब्याह क्यों नहीं कर देते हो, विधवा हो गई तो क्या हुआ, ब्याह कर दो। वो बेटी आकर घर में बहुत रोई, तो उसकी माँ ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है। वो तो उसने कहा वो तो हमारी संस्कृति को जानती नहीं है, उसको हमारी संस्कृति का पता नहीं, तो उसने कहा तो तुम रो क्यों रही हो। उसने कहा कहीं ना कहीं मेरे व्यवहार से उसको ऐसा लगा है कि हमको पति की जरूरत है। हमारे व्यवहार से पता लगा है, हमारे व्यवहार में कहीं ना कहीं उनको चंचलता दिखी है, और चंचलता यदि दिखी है तो हमारा दुर्भाग्य है। हमारे पर यदि कोई अंगुली उठाए तो कहीं ना कहीं निरीक्षण हम अपना करें, दूसरों को न देखें कि महाराज किस धरातल से उसने बात की, कहीं दोष हमारे में तो नहीं है। तो इस देवी ने अपने महाराज शरीर को सजाना ही छोड़ दिया था, सुंदर केस पास लट के रूप में परिणित हो गए थे। एक दिन महात्मा करदम ने देखा तो बड़े प्रसन्न हो, बोले तुष्टो हम मानवी मानदाया, अरे मानवी मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। मैं जानता हूं जितने शरीरधारी हैं सब अपने शरीर से ही प्रेम करते हैं, किंतु तुमने अपने शरीर की परवाह नहीं की और हमारी सेवा में लगी रही। तुमको जो बर चाहिए सो बर मांग लो। क्या बर चाहिए, हमारे एक संत कहते थे, उसने हाथ जोड़ करके कहा कि बर से क्या बर चाहिए, आप ही हमारे बर हो। बहुत आग्रह किया तो कहा दीनस तदीस भवनम सदसम विचक्ष, आप मेरे अनुकूल भवन दो, अर्थात अपनी पत्नी का अधिकार दो। मैं निवेदन करूं स्त्री का परम सौभाग्य है कि वह उच्च कुल में पैदा हो जो बच्ची, और उसके बाद माता पिता अच्छे मिले, माता पिता के बाद अच्छा पति मिले, और अच्छा पति मिलने के बाद उसको अच्छी संतान मिले। लड़की स्त्री तीन रूपों में सुशोभित होती है, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में और माँ के रूप में। रामचरितमानस में भगवान शंकर जब गए कथा सुनने के लिए, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज रिस्पाही संग सती जग जननी भवानी, तीनों उपमाएं हैं, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। इसमें बेटी भी हैं और पत्नी भी हैं और माँ भी हैं, जगत जननी है ये, भवानी है भगवान शंकर की पत्नी है, और सती हैं एक बेटी है। संग सती
जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो कहा कि ईश्वर की कृपा से मनुष्य रूपा जैसे हमको पिता मिले, प्रत्येक बेटी को अपने माता पिता का गौरव होना चाहिए, गौरव से भरना चाहिए कि हमारे पिता सर्वश्रेष्ठ पिता है। अपने पिता के प्रति माता के प्रति गौरव होना ही चाहिए। कहा कि ये तो माता पिता मिलना तो ईश्वर की कृपा से संभव था, किंतु माता पिता के आशीर्वाद से हमको आप जैसा संयमी पति मिला। ये हमारे माता पिता का अनुग्रह था, माता पिता की कृपा थी कि आप जैसा शील संपन्न गुण संपन्न तपस्वी संयमी महापुरुष हमको मिला। अब आप अनुग्रह कीजिए कि आपके अनुकूल हमको पुत्र मिले, मैं मां बनना चाहती हूं। जो कहा कि अनुकूल भवन मिले, दीनस तदीश भवनम सदिशम विचक्ष, महाराज ये स्थान हुआ, स्थान था बिंदु सरोवर का स्थान। बिंदु सरोवर हुआ स्थान है, ये अभी तो गुजरात में है। जब भगवान करदम के तप से प्रसन्न हुए थे और प्रकट हुए थे और करदम ने योग्य पत्नी की प्राप्ति की कामना की थी तो भगवान के आंसू आ गए थे। कई आचार्य कहते हैं भगवान को आंसू इसलिए आ गए थे कि भगवान को लगा कि इतने दिन तप करने के बाद हमको नहीं चाह रहा है, स्त्री चाह रहा है, इसलिए आंसू आ गए। कई लोग कहते नहीं नहीं, भगवान गदगद हो गए क्योंकि हमको पुत्र बनाने के लिए विवाह करना चाह रहा है, तो हमको पुत्र बनाना चाहता है इसलिए प्रसन्नता के आंसू आ गए। और प्रसन्नता के आंसू से उसी से बिंदुओं से अश्र बिंदु से वह सरोवर बना था, इसलिए उसका नाम बिंदु सरोवर है। उस बिंदु सरोवर के तट की घटना है, महात्मा वहीं रह रहे थे, महात्मा की कुटिया वहीं थी, महात्मा की झोपड़ी वहीं थी बिंदु सरोवर पर, और वहीं पर इन्होंने सेवा की थी। ऐसी अद्भुत सेवा की, ऐसी अद्भुत सेवा कि प्रसन्न थे महात्मा जब इन्होंने कहा कि दीनस तदीश भवनम तदसम विचक्ष, संकल्प किया और संकल्प से कामक विमान बन गया। भैया ध्यान रखना, जैसे परमात्मा के संकल्प से ये सृष्टि बन जाती है, वैसे महात्मा के संकल्प से भी सृष्टि बनती है और आपके भी संकल्प से सृष्टि बनती है। हमको एक महापुरुष ने बताया था बचपन में, जिसके संकल्प जितने कम होते हैं उसके संकल्प उतनी जल्दी पूरे होते हैं। आपके संकल्प भी कम होंगे तो जैसा आप बनना चाहते हो, जैसा आप बनाना चाहते हो वैसे बन जाओगे, बना दोगे। इसलिए संकल्प कम रखने चाहिए। महापुरुष तो संकल्प करते ही नहीं जल्दी, वो तो भगवान जैसे नचाना चाहे नाचते हैं, और अगर कहीं हो गया उनके मन में संकल्प तो परमात्मा भी नहीं टाल सकता है। महात्मा का संकल्प परमात्मा भी नहीं टाल सकता है, इसलिए वो पूरा होता ही होता है। एक ऐसा अद्भुत विमान बना जिसमें सभी ऋतुएं सुशोभित थी। महाराज जब कहा कि क्योंकि शरीर जर्जर हो गया था कि बिंदु सरोवर में स्नान करो, जो स्नान करने गई माँ तो हजारों दासियां मिल गईं और उन्होंने ऐसे सुंदर सुंदर लेप लगाए, इनको अंगराग लगाया और अंगराग लगाकर उपटन लगा करके इनको स्नान कराया कि जैसे घर से आई थी वैसे ही सुंदर हो गई। हमारे महात्माओं के पास भी एक महात्मा हमारे हमको मिले, वो बेल के बीज रखे थे करीब 15-16 किलो, बड़े वृद्ध थे, अभी भी हैं वो महापुरुष, 100 साल के ऊपर है। तो हमने कहा महाराज जी इतने बेल के बीज क्यों रखे हो? उन्होंने कहा कि इससे कायाकल्प करूंगा, कायाकल्प की दवा बनेगी। तो कायाकल्प का अभिप्राय कि वृद्धावस्था होने के बाद भी वृद्धावस्था नजर ना आए, शरीर का सब कल्प हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे ऐसे अंगराग, ऐसे ऐसे महाराज तेल फुलेल सब लगा लगा करके महाराज उन देवियों ने इनको उपटन करा करा करके स्नान कराया तो जैसे घर से आई थी बिल्कुल वैसी सुंदरी बन गई, सुंदर केश पास बन गए। और जब वो आई और विमान में चढ़ने लगी तो प्रसन्न नहीं थी इतनी सुंदर बनकर के भी। हमारे महाराज जी कहते थे प्रसन्न क्यों नहीं थी? उन्होंने सोचा कि विमान भी सुंदर और मैं भी सुंदर,
किंतु जिसके साथ रहना है वो भी तो सुंदर होना चाहिए। वो महात्मा तो जर्जर काये थे, हड्डी हड्डी दिख रही थी। एक एक प्रार्थना की तो वो भी स्नान किए, वो भी तरुण अरुण वारिज नयन बन करके। महाराज कवि सुरसदन भागवत में तो वर्णन है कि ब्याह करने के बाद, तृतीय स्कंद में उसका वर्णन है, ब्याह करने के बाद उस विमान को लेकर सबसे पहले गंगोत्री आए। गंगोत्री आए, वहां गंगोत्री नाम नहीं लिखा है, आप तृतीय स्कंद पढ़ लीजिएगा। वहां ये वर्णन है कि जहां गंगा आकर के ऊपर से नीचे उतरी थी, जहां गंगा की कलकल कलकल धारा सुनाई पड़ती है, वहां लेकर आए। मैं आज ही देख रहा था, जब श्लोक देख रहा था हमको लगा कि स्थान यही है, यहां लेकर आए। उसके बाद कभी सुरसदन ले गए, कभी नंदन बन ले गए, कभी वैशंभक बन ले गए, उनको खूब भ्रमण कराया और पूर्ण संतुष्ट करके। देखो भाई, जिस कामना से आराधना से परमात्मा मिल सकता है, जो दुनिया का सबसे सूक्ष्म और सबसे कीमती है, तो क्या उस धन से संसार नहीं मिल सकता है? संसार तो तुच्छ वस्तु है। तपस्या से परमात्मा मिलता है तो ये नश्वर संसार मिलने में क्या देरी लगती है? ये तो इसमें कोई इसकी कीमत ही नहीं है। जो परमात्मा जिससे प्राप्त किया जा सकता है, तब से संसार तो मिलने में कोई बड़ी बात है ही नहीं। थोड़ा भी संकल्प कर ले साधु तो जैसे वैभव में रहना चाहे वैसे रह सकता है, किंतु वह उन्नति नहीं है उसकी, उसका पतन है, वो तप का सदुपयोग नहीं है। हमको यदि वैभव मिल जाए, अच्छा मकान मिल जाए, अच्छी गाड़ियां मिल जाए, अच्छा वैभव यश कीर्ति मिल जाए, तो कोई हमारा उत्थान नहीं हो गया इससे, हमारा पतन हो गया। जिस तप से हम परमात्मा प्राप्त कर सकते थे, जिस तप से हम परमात्मा की गोद में बैठ सकते थे, वैसे माया की गोद में बैठ गए तो क्या बड़ी बात हो गई जी? इसमें तो उन्नति नहीं, उन्नति है। तो साधक कोई संसार के संग्रह में लगता नहीं है और वो संसार का कोई महत्व भी नहीं देता है कि हमको ऐसा स्थान चले, ऐसा मिले। ये तो गृहस्थ थे और इनको था कि हमको अपनी पत्नी को संतुष्ट करना है, इसलिए कभी सुरसदन ये पूंजी वही लगा रहे थे, तप की पूंजी। ध्यान रखना, हम लोगों की पूंजी तुच्छ है, किंतु तप की पूंजी सर्वोच्च है। उस पूंजी का जहां प्रयोग कर दिया जाए, वो पूंजी वहीं काम आ जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए आप भारत का रुपया लेकर के जाओ ना, तो शायद नेपाल में चल जाए, अन्य देशों में चल जाए, दूसरे के चलेगा नहीं, कीमत नहीं उसकी। किंतु यदि अमेरिका के आप रुपया लेकर के जाओ, दुनिया के किसी भी देश में, तुरंत महाराज डॉलर का बन जाएगा। हमने देखा छोटे छोटे बैंकों में भी ले लेते हैं, और भारत का और भारत से ज्यादा पाकिस्तान की करेंसी, नेपाल की करेंसी तो और पूछ नहीं है। तो आप ये समझिएगा कि जो यहां का धन है वो तुच्छ धन है, वो यहां ही चलेगा, दूसरे देश में नहीं चलेगा। ऐसे ही जो तप का धन है, ये तप की जो करेंसी है, ये तप की करेंसी हर देश में चलती है, स्वर्ग में भी चलती है, सब जगह चलती है, यहां तो चलती ही चलती है। इसलिए हम तपस्वी महापुरुषों को देखते हैं कि बड़े बड़े स्थान में तो हम कोई महत्व तो नहीं रखते कि बहुत स्थान बन गया, यहां बन गया, वहां बन गया, ये हुआ वो हुआ, हमको बहुत ज्यादा इसका महत्व तो नहीं होता है और आकर्षण भी नहीं होता, क्योंकि इसके रहस्य को हम जानते हैं कि इस कौन सी पूंजी से ये बना हुआ है, कौन से धन से ये क्रय हुआ है, जिस धन से ये बना हुआ है। इस धन से बहुत कुछ पाया जा सकता था, तो तप का धन था हमारे महात्मा करदम के पास, उस धन के कारण इन्होंने पूर्ण भोग इनको दिया और पूर्ण भोग देकर के संतुष्ट किया। फिर बाद में अपने को नौ भागों में विभक्त करके नौ कन्याओं को जन्म दिया। ये कन्याएं बड़ी दिव्य थी और महाराज सब ऋषियों की पत्नियां बनी, किंतु कन्याओं के होने के बाद इन्होंने तुरंत कहा कि हमको तो बन जाना है। किंतु इतना बढ़िया भागवत में प्रयोग है, देवूति ने इतने प्रेम से प्रार्थना की, प्रेम में बहुत सामर्थ्य है, जिद नहीं किया, रोई रूठी नहीं कि आप ऐसे कैसे छोड़कर चले जाओगे। बोले मैं जानती हूं आप दृढ़ संकल्पी हैं, आपने संकल्प किया था और मैं आपके संकल्प की विरोधी नहीं हूं,
आपके संकल्प की सहयोगिनी हूं, किंतु ये जो किंतु है ना, ये सब कुछ हिला कर देता है। किंतु मेरा मन यही है कि बेटियां तो दूसरों की संतान है, दूसरों की संपत्ति है, दूसरों के यहां चली जाएंगी, किंतु हमारा भरण पोषण कौन करेगा। और दूसरी बात, एक बात कहूं मैं, कैसी महाराज, इस पर तो मैं आज रीझ गया, श्लोकों को देखकर विवर हो गया। उन्होंने कहा कि मैं कैसी मंद बुद्धि वाली निकली, आप जैसे ऋषि को पा करके भी हमने नश्वर भोग ही पाए, आपसे मैं परमात्मा को प्राप्त कर सकती थी, आपको प्राप्त करके सर्वस्व पा सकती, किंतु ये नश्वर शरीर का भोग पाया, मंद बुद्धि के कारण ये गड़बड़ी हो गई। किंतु अब ऐसी संतान दे करके जाइए जो हमको मोक्ष दे, जो हमको उद्धार करे, उस संतान की कामना अर्थात पुत्र देकर जाइए। ऋषि रुक गए, प्रेम में बहुत सामर्थ्य है। एक बात कहूं नारायण, हमारे बल्लभाधीश महाराज ने लिखा है कि दुनिया में जंजीरें बहुत हैं, किंतु प्रेम रज्जु जैसी कोई दुनिया में जंजीर नहीं है। प्रेम रज्जु सबसे खतरनाक जंजीर है महाराज, उसमें बड़े बड़े बंध जाते हैं। मैं निवेदन करूं, द्वेष से बचा जा सकता है, किंतु स्नेह से बचना बड़ा कठिन है। मुझे तो आपको सच कहूं, अपमान सहन करना सरल लगता है, उपेक्षा सहन करने का सरल लगता है, किंतु सम्मान सहना बहुत कठिन लगता है, स्तुति सहन करना बहुत कठिन लगता है। क्योंकि सब अपमान तो परिस्थिति में भी व्यक्ति सह जाता है, अपमान तो व्यक्ति परिस्थिति में भी सह जाता है, किंतु सम्मान सहना ये परिस्थिति नहीं होती है, अपनी परिस्थिति का सृजन है। उपेक्षा सहन करना सरल है, किंतु प्रेम सहन करना बहुत कठिन है। दुर्जनों को त्याग करके कहीं जाना बड़ा सरल है, क्योंकि पहले हम उपराम थे उनसे, किंतु सज्जनों को त्यागना बहुत कठिन है, सज्जनों से उपराम हो पाना बहुत कठिन है। इन्होंने हमारा स्वीकार कर लिया, साधन भजन किया, और साधन भजन के फलस्वरूप माँ गर्भवती हुई, और जब गर्भवती हुई तो ब्रह्मा जी महाराज आए। ब्रह्मा जी महाराज अपने बच्चों के साथ आए, स्तुति की, और कई जगह तो ये भी वर्णन है कि भागवत में तो ये वर्णन है कि कपिल के हो जाने के बाद बेटियों का ब्याह हुआ, और बेटियों का ब्याह आदि करने के बाद महाराज कपिल भगवान ने, भागवत की जो चर्चा है, कपिल भगवान ने अपने पिता को संदेश दिया जिस उद्देश्य से आए थे। सचमुच में भगवान से हमारी प्रार्थना हो, बालक हो तो ऐसा हो। पिता ने इस पिता से कहा, गच्छ कामम मया पृष्टो मई संन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयम मृत्युम अमृतत्वाय माम भज। पिताजी, संपूर्ण कर्मों को मेरे में संन्यस्त कर दो। गच्छ कामम मया पृष्टो मई संन्यस्त कर्मणा, मैं निवेदन करूं, संध्या वंदन भूल गया, नहीं कर पाए, ये प्रमाद, ये पतन है। गायत्री नहीं जप पाए, यदि हम त्रिवर्ग में हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में, और हम यदि संन्यास नहीं लिए हैं, तो यदि गायत्री नहीं जपते तो हमारा पतन है। किंतु गायत्री जप इसलिए नहीं कर पाए कि हम भगवान की लीला में लीन हो गए, तो पतन नहीं, उत्थान है। हमारा धर्म कर्म इसलिए छूट गया कि हम जुआ खेल रहे थे, इसलिए भजन नहीं कर पाए। आज हम गप मार रहे थे लोगों से, इसलिए अपना दैनिक नियम नहीं कर पाए हम। और एक ये है कि भगवान की कथा सुन रहे थे, इसमें हमको समय पता ही नहीं चला। दोनों में कर्म छूटा है, ध्यान रखना, दोनों में कर्म छूटा है, किंतु एक कर्म संन्यास बन गया है और एक कर्म पतन बन गया है। कर्म वही है, छूटना वही है। इन्होंने कहा कि मई काम, मेरे लिए, मेरे में कर्म का संन्यास करो, मेरे लिए, मेरे में संन्यास करो, और इस दुर्जय मृत्यु से पार हो जाओ। क्या चिंतन करना है? ममात्मानम स्वयं ज्योति सर्वभूत गुहा स्वयं, सबकी आत्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में, ज्ञान के रूप में मेरा ही दर्शन करो। अद्भुत तैयारी थी भगवान कपिल की बात सुन करके, हमारे कर्दम तो निकल गए बन। और जैसा कपिल ने बताया था उसी का
अनुसंधान करके अपना कल्याण किया। किंतु हमारे भगवान कपिल अपनी माँ के साथ नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? देखो, कपिल को वैराग्य से रहने की आवश्यकता नहीं थी। भगवान चाहे राग में रहें चाहे वैराग्य में रहें, बराबर है, उनको क्या वैराग्य की जरूरत थी। किंतु उसके बाद भी भगवान वैराग्य से रहे। क्यों वैराग्य से रहे और माँ के समीप नहीं रहे? जानते थे कि माँ के समीप रहूंगा तो निश्चित रूप से माँ को हमारे प्रति आदर नहीं होगा। महाराज, मैं अपनी अनुभूति बता रहा हूं, आप लोग लाभ ले लेना। बचपन से, जब से सुध संभाली है तब से हमको अच्छे अच्छे संतों का संग मिला है। अरे गरे नथु खैरे का नहीं, उच्च कोटि के संतों का, भगवत प्राप्त संतों का, और एक नहीं कई संत जिनकी गोद में ठाकुर खेले और वो हमको गोद में बैठा ले। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जैसे महापुरुष भी इस बालक को प्रेम दिए हैं, स्नेह दिया, अधिकार दिया। कृपात्री जी महाराज, बड़े बड़े संत। किंतु एक निवेदन करूं, इस पामर ने उनका कोई लाभ नहीं लिया। हमको वो संत दिखते ही नहीं थे। आप कहोगे संत क्यों नहीं दिखते थे? वो संत थे इसलिए नहीं थे, इसलिए नहीं, वो परम संत थे, किंतु हमको बहुत प्रेम करते थे। हमारे सामने वो निरावरण थे तो हमको उनमें दोष दिखते थे। आज जब वो हमसे दूर हैं संत चरण, और मैं उनका साहित्य पढ़ता हूं, उनके ग्रंथ पढ़ता हूं, तो रोने लगता हूं। अरे ये महात्मा थे। हमको एक घटना याद है, हम बहुत उसमें कई बार रोते हैं। एक महापुरुष के साथ प्रयाग में थे, 12 वर्ष की उम्र होगी, 11 वर्ष की। हमारे श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज और सब संत हमको लेकर के, बालक थे, त्रिवेणी, अपने वहां त्रिवेणी में स्नान करने आए। अब त्रिवेणी में स्नान करने आए तो बहुत ठंड थी, माघ का महीना था। अपने राम ने कहा कि मैं स्नान नहीं करूंगा। ये सब महापुरुष स्नान कर रहे थे, अपने राम तट पर खड़े थे, और हमारे श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज स्नान करके आए, गीले गीले कपड़े, और पास में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कहते कहते हमको उठा करके और गंगा जी में फेंक दिया। महाराज भींग गए और कपड़े भी भींग गए। हम बहुत नाराज हुए महाराज जी के ऊपर, और हमने कहा इस बाबा जी से तो मैं बोलूंगा ही नहीं, ये बाबा जी है ही नहीं। और महाराज 2 दिन तक रहे, बात नहीं किए। महाराज जी बहुत बुलाए, मैं बोला ही नहीं। जिन महापुरुष के साथ में था, हमने कहा ये महात्मा नहीं है। महात्मा कोई ऐसा व्यवहार करता है? ऐसे उठा करके डाल दे। महाराज अभी कुछ दिन के पहले गौरांग महाप्रभु का चरित्र पढ़ रहा था, जो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने लिखा है, बहुत रोया। अरे ये महापुरुष ऐसे, और हम पहचान ही नहीं पाए इनको, हम बोले भी नहीं उनसे। तो ये सामीप्य दोष था महापुरुष। इसलिए मैं बहुत सावधान रहता हूं, जल्दी किसी को अपने सामीप्य नहीं घुसने देता हूं, थोड़ा दूरी रखता हूं। ज्यादा बैठने लगे तो उसको कहते तुम जाओ यहां से। क्यों ऐसा दूरी रखता हूं? इससे हमारी हानि नहीं, उसकी हानि है। क्योंकि ज्यादा समीप यदि आकर के कोई साधक बैठेगा तो सामीप्य दोष के कारण दोष ही दर्शन करेगा। इसलिए जो लोग महापुरुषों की सेवा में रहे हैं, संत हमारे पूज्य संत चरण, वो इसको समझ सकेंगे कि सेवा काल में अपने गुरुजनों को भगवान मान ही नहीं पाए, कि हमारे गुरुजन भगवान हैं, इस भाव से हम नहीं भर पाते हैं सेवा काल में। किंतु जब गुरुजन नहीं रहते हैं तब वो भगवान दिखते। गुरुजन जब चले जाते हैं, शरीर से नहीं रहते, तब उनकी करुणा याद आती, स्मरण होता तो हृदय भर आता है। अरे ऐसा प्रेम, ऐसा अनुराग, हम तो छोटी छोटी घटनाओं को याद करके गुरुजनों की रो पड़ते हैं। ऐसे इसने ऐसा प्रेम कोई कर सकता है? ऐसे कोई अपना सकता है? तो नारायण, ये सामीप्य दोष है, इससे बचना चाहिए। भगवान के साथ भी आप रहने लगोगे तो भगवान में भी दोष देखने लगोगे। मैं एक निवेदन कर रहा हूं आपको, बिल्कुल प्रमाणिकता के आधार पर। पहले मूर्ति पूजा नहीं थी,
पहले महापुरुषों की पूजा थी, पूज्य संतों की पूजा थी, आचार्यों की पूजा थी, उन्हीं को भगवत भाव से माना जाता था। किंतु जब साधक लोग गुरुजनों में, संतों में दोष देखने लगे, तो उन गुरुजनों ने, संतों ने, आचार्यों ने हमको ये शिव विग्रह ठाकुर का पकड़ा दिया, क्योंकि ये तो बोलता नहीं है, ये तो महाराज कुछ करता नहीं है। अब गुरु जी की सेवा में हो और समय से पानी न पिलाओ तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे, समय से भोजन न दो तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे। किंतु श्री ठाकुर जी को, स्वामी जी भोग न लगाओ तो नाराज नहीं होंगे। और ऐसे करुणा से भरे हुए कि महाराज स्वयं तो 56 प्रकार का खाओ और ठाकुर जी को बतासा अर्पित कर दो, श्री और क्या चिरौंजी भी न क्या बोलते हैं जो गोल गोल होते हैं सफेद सफेद मखाना, उन्हीं में मीठी मीठी मीठे जो होते हैं इलायची दाना, वो इलायची दाना स्वयं माल खाओ और ठाकुर जी के सामने बैठकर खाओ और उनको इलायची दाना रख दो शाम को सुबह, तब भी नाराज नहीं होते, तभी नहीं बोलते। तो हमको ऐसे ही ठाकुर चाहिए, इसलिए ऐसे ठाकुर इन संतों ने, आचार्यों ने दिया हमको कि ऐसे ठाकुर की सेवा करो, तुम इसी काम के हो, क्योंकि चैतन्य की तुम सेवा करने लायक नहीं हो, वो तुम्हारे ऊपर डांट लगाएगा, फटकार लगाएगा, तुम्हें कोई दोष देखेगा तो डांटेगा। इसलिए भगवान ने विचार किया कि यदि मैं माँ के साथ रहूंगा तो माँ मुझे बालक तो मानेगी किंतु भगवान नहीं मानेगी, और यदि वो हमको भगवान नहीं, देखो हम भगवान को भगवान मानते हैं, इसमें भगवान का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, भगवान तो भगवान ही है, मानो या न मानो, किंतु भगवान को हम भगवान मानते इसमें कल्याण हमारा है, इसमें उद्धार हमारा है। ठाकुर के विग्रह को यदि हम साकार विग्रह मानते हैं, न मानो तो ठाकुर का कुछ बिगड़ता नहीं है, किंतु हम साकार विग्रह मानते हैं, चिन्मय स्वरूप मानते हैं, तो उसमें कल्याण हमारा है, उसमें लाभ हमको मिलेगा। भगवान इसलिए माँ से दूर चले गए, किंतु एक दिन माँ को विधाता की बात याद आ गई, धातु स्मरंती बचा, भगवान तो जाकर के करते क्या है, पितरी प्रस्थिते रण्ये मातुः प्रीच कीर्षया तस्मिन् बिंदु सरेद वासीद भगवान कपिल किल। भगवान कपिल दूर नहीं गए, चाहते तो गंगा सागर चले जाते उस समय, किंतु भगवान का उद्देश्य था माँ का कल्याण करना, तो एक बिंदु सरोवर के किनारे विमान था जिसमें माँ रहती थी, और एक बिंदु सरोवर के किनारे झोपड़ी थी, एक वृक्ष के किनारे उस पर भगवान कपिल रहते थे, दोनों बिंदु सरोवर में रहते थे, तट दोनों का अलग अलग था, घाट दोनों के अलग अलग थे। एक दिन माता को विधाता की बात याद आ गई, उन्होंने कहा था कि माँ तुम्हारे हृदय में कोख में परमात्मा है, तो धातु स्मरंती बचा, उनका स्मरण करके भगवान कपिल के पास गई, किंतु बेटे के पास नहीं गई, गुरु के पास गई, और वहां जाकर के महाराज प्रार्थना की, कहा कि इन दुष्ट इंद्रियों की सेवा कर करके हम परेशान हो गई, आप कृपा कीजिए हमारे ऊपर, तम त्वास गता हम, आप निश्चित रूप से वृत्ति के ऊपर अनुग्रह करने वाले कुठार के स्वरूप हैं, इसलिए हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, भगवान ने कहा कि माँ संसार के सुख दुख से पार जाने के लिए एक विद्या है, जिस विद्या का नाम आध्यात्मिकी विद्या है, यही सुख दुख से दूर ले जाती है विद्या। संसार में दुख का कारण संसार नहीं है, ध्यान रखना, संसार में दुख का कारण संसार नहीं है, संसार का राग है। अब देखो दुनिया में हजारों लोग मरते हैं, हम कभी आंसू बहाते हैं? अगर मरने से आंसू होते होते तो किसी के मरने से भी आंसू आते, किंतु जिससे हमारा राग हो जाता है उसके मरण में हमको महाराज आंसू आते। मैं तो जिस बार अमेरिका में आतंकवादियों ने वो टावर गिरा दिया था ना, उस दिन मैं बंगलोर में था जब घटना घटी, तो महाराज जिस घर में थे उस घर के लोग कुछ वहां थे, तो टीवी में बैठे, फोन में बैठे, रात भर वो लोग सोए नहीं कि सूचना मिले सूचना मिले, और अपने राम को तो, अच्छा उस दिन उनके घर में भोजन भी नहीं बना, और अपने को तो भूख लगी थी, और वो लोग रो रहे थे अपने को भूख लगी, अपने राम तो दूसरे के घर में खा के आए। किंतु रात्रि में मैं सोचने लगा कि श्रमणानंद टावर गिरा, जिस घर में मैं हूं वो घर वाले रो रहे, मैं कुछ दुखी नहीं हूं,
तो बाद में मुझे याद आ समझ में आया चिंतन करने पर कि अगर तुम्हारा भी चेला कहीं वहां होता तो तुमको भी नींद नहीं आती, क्योंकि संसार के मरने पर पीड़ा नहीं है, हमारा जो संबंध है उस पर पीड़ा है। ये जो मैं मेरे का संबंध बना करके बैठे है वही दुखदाई है। भगवान ने कहा कि मां संसार का जो संबंध है राग है वो दुख का कारण है, और इस राग को काटने के लिए भैया ध्यान रखना, चाहे कितनी बड़ी वेदांत की बातें कर लेना, मैं डंके की चोट से कहता हूं, चाहे कितने क्रम याद कर लेना, श्रुतियां याद कर लेना, मैंने बहुत सारे वेद मंत्र याद किए हैं, गीता याद किया, उपनिषद याद किया, ब्रह्मसूत्र याद किया, खूब कंठ 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 किया है सब, किंतु गारंटी के साथ मैं कहता हूं जब तक आपका भगवान से प्रेम नहीं होगा तब तक संसार से राग कटेगा नहीं, कट ही नहीं सकता है। आप चाहे दिन रात स्वप्न स्वप्न चिल्लाते रहना, मिथ्या मिथ्या चिल्लाते रहना, अगर संसार के राग को काटना चाहते हो तो भगवान से राग करो, और भगवान के राग से, क्योंकि ध्यान रखना सोने महाराज हीरे से हीरा कटता है, लोहे से लोहा कटता है, जब तक लोहा से लोहा नहीं कटेगा तब तक ध्यान रखना लोहा को काटने की लोहा के लिए यंत्र चाहिए, ऐसे राग को काटने के लिए राग चाहिए। हम देखते हैं कि वेदांत की बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं किंतु छोटी छोटी बात पर झगड़ जाते हैं, एक दूसरे की हत्या कर देते हैं जी, गला घोट देते, क्या वेदांत है तुम्हारा भाई, तुम किसी के चित्त को नहीं समझ पा रहे हो, ये कौन सा वेदांत है, कैसा वेदांत है, ध्यान रखिएगा। इसलिए भक्ति की परम आवश्यकता है, प्रेम की परम आवश्यकता है, अगर भगवान से राग न हो सके तो सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनक कवयो विदु सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। ये सैव साधु सुकृतो, साधु से कर लो, अगर साधु से भी राग होगा तो संसार का राग कट जाएगा। लक्कड़ जी, हम महात्मा बनने के लिए घर से नहीं निकले थे, ईमानदारी से कह रहे, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि महात्मा बनूंगा, दिमाग में भी नहीं था, किंतु इन गुरुजनों से प्यार हो गया, इन्होंने इतना प्यार दिया हमको कि हमको सब कुछ भूल गया, न घर याद आया न परिवार याद आया, केवल इनके प्रेम से कटा, केवल गुरुजनों के प्रेम से कटा। अगर ये शायद इस अवधम को न अपनाए होते तो पता नहीं कहां नाली के कीड़े बने हुए पड़े होते। हम तो कई बार गुरुजनों की स्मृति करके रोते हैं, उन्होंने प्यार से अपना लिया और उनसे प्रेम हुआ तो हमको संसार छोड़ना नहीं पड़ा, हमने कभी याद नहीं प्रयास नहीं किया कि हमको अपनी माँ की याद ना आए, हमने कभी प्रयास नहीं किया कि मुझे घर की याद ना आए, हमने कभी प्रयास नहीं किया कि मुझे घर जाना नहीं है, कभी प्रयास नहीं किया कि मेरा चित्त भागता हो कि परिवार वालों से संबंध रखना है और मैं रोकता हूं, कभी आया ही नहीं। उसका एकमात्र कारण ये हमारे गुरुजन है, जब से इनसे प्रेम हुआ तब से सब प्रेम कट गए। तो भगवान से प्रेम करने के पहले संत से प्रेम हो जाए तो अपने आप सब कट जाता है, संत से प्रेम हो जाए, सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। यहां संत की व्याख्या दी है साधु की, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात सत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणः। साधु की पहली पहचान है वो तितिक्षु होता है, सहनशील होता है, और हृदय में करुणा भरी होती है, हृदय में करुणा, और केवल करुणा अपने बच्चों पर नहीं, केवल शिष्यों पर नहीं, या हमारे संप्रदाय का इसलिए करुणा नहीं, सर्वदेही नाम संपूर्ण शरीरधारियों पर करुणा। मैं आपको क्या कहूं कैसी करुणा होती है, हमारे आराध्य गुरुदेव तो कहीं निकलते हों, कई लोग जब निकलते थे तो 8-10 लोग साथ चले, लगभग साधु ही होते थे, विरक्त सन्यासी, तो हम देखते थे कई बार महाराज कुत्ता बैठा है सो रहा है और वहां से गुजरना हो तो महात्माओं को कहते धीरे धीरे चलो कहीं इसकी नींद न खुल जाए, धीरे चलो कहीं नींद न खुल जाए। कोई सेवक हो लघुशंका लगी हो, महाराज जी को लघुशंका रोक लेते थे कि लघुशंका रोके बैठे रहें,
कि हम उठेंगे तो इसकी नींद न खुल जाए, ऐसी करुणा, इसको कष्ट न हो जाए, बोलने के पहले, चलने के पहले, व्यवहार करने के पहले ये विचार, सबके प्रति करुणा। और साधु की किसी से दुश्मनी नहीं होती। अजात शत्रव शांताः साधव साधु भूषणाः, वो किसी से दुश्मनी नहीं मानता। अजात शत्रु होता है, ये साधु की आभूषण है, तितिक्षा करुणा ये उसके आभूषण है। और मई अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, साधु अनन्य भाव से भगवान का भजन करता है। मई अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, मदाश्रयाः कथामृष्टाः श्रृण्वन्ति कथयन्ति च, आश्रय यदि कोई लेता है साधु तो भगवान का आश्रय होता है। मद एव आश्रयः मदाश्रयाः, हम तो आपको बताए जान करके कभी किसी के आश्रय नहीं बनते, कभी किसी के, हम जान जाएं कि हमारे आश्रित रह रहा है तो हम उसका पत्ता काट देते हैं, इसलिए पत्ता काट देते हैं कि ये भगवान का आश्रय ले, मेरा आश्रय न ले। हमारे आश्रय में रहेगा तो धोखे में रहेगा, अगर ये भगवान के आश्रय में रहेगा तो उसका कल्याण होगा। तो साधु स्वयं आश्रय भगवान को बनाता है और दूसरों का आश्रय भी भगवान को बनाता है। मेरे से मत जुड़ो, आप मेरी आरती मत उतारो, भगवान की आरती उतारो, आप मेरे से पास मत आओ, इनके पास जाओ। मद एव आश्रयाः मदाश्रयाः, वो कथा महाराज कहता भी है, सुनता भी है। अगर कोई सुनाने वाला मिल जाए तो सुनता है, और सुनने वाला मिल जाए तो सुनाता है। हमारे एक महात्मा कहते थे हमको, अभी हैं वो वृंदावन में, हम डॉक्टर स्वामी कहते हैं उनको, हमको कई बार कहते थे कि देखो अगर सुनने वाला मिले तो सुनाओ, और सुनाने वाला मिले तो सुनो, और सुनने सुनने सुनाने वाला न मिले तो गुनगुनाओ, भजन करो, खाली मत रखो अपने को। अगर कोई सुनने वाला मिले तो सुनाओ, और यदि सुनाने वाला मिल जाए तो सुनो। इसलिए हमारे संत चरण, हम तो वृंदावन में देखते हैं, अयोध्या में देखते हैं, एक से एक विद्वान संत हमको पढ़ा सकते हैं। वो भी महाराज इतने प्यार से कथा सुनते हैं जैसे पहली बार सुन रहे हो, ऐसी विद्वत्ति पहली बार सुन रहे हो, इतना प्रेम से, तो मैं समझ जाता हूं कि सच्चे साधु हैं। ऐसे इसलिए सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं कि इनको आता जाता कुछ नहीं है, ये पढ़ा सकते हैं वक्ताओं को, किंतु तब भी भगवान की कथा सुनते हैं। और सचमुच में सुनना सुनाना भगवत आश्रय में रह करके, आश्रय केवल एकमात्र भगवान है। बाद में भगवान ने अपनी माँ को भक्ति की बड़ी महिमा बताई, सांख्य योग की महिमा बताई है, संसार से वैराग्य की चर्चा करके उन्होंने उनको प्रबोध करके स्वयं कपिलाश्रम की ओर गमन किए हैं। अब इसकी चर्चा नारायण कल करेंगे, पता नहीं कथा बढ़ नहीं रही है।